तो अब यहाँ से हम बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान शुअरा से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। कराची से तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, आपकी तालियों में तशरीफ़ लाएँ। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो दिल्ली से ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं, और उनकी कायम करदा जो ऑर्गेनाइजेशन है रेख्ता फाउंडेशन, मेरे ख़्याल से शायद ही कोई दुनिया में ऐसा हो जो उर्दू जानता हो इस वक्त और रेख्ता फाउंडेशन को न जानता हो, जनाब संजीव सराफ साहब, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी तालियों में तशरीफ़ लाएँ। ये आज के हमारे मेहमान खुसूसी संजीव सराफ साहब। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग शायर जनाब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं सरफराज शाहिद साहब, ये तंज़ो मिज़ाह के बुज़ुर्ग शायर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। हिंदुस्तान से हमारे मारूफ और मकबूल शायर मंज़र भोपाली साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, जनाब मंज़र भोपाली साहब। और बम्बई से हमारे इस वक्त बॉलीवुड के बहुत मकबूल नगमा निगार एम तराज साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। और अमेरिका की नुमाइंदगी करने के लिए इस बार हमने दो ख़वातीन को मदु किया है, वाशिंगटन से तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा मोना शाहब साहिबा तशरीफ़ लाई, आप इन्हें जानते पहचानते हैं ये, और पहली बार हमारे मुशायरे में तशरीफ़ लाई हैं डिट्रॉइट से मोहतरमा नाहिद वर्क साहिबा, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। तो ये थे हमारे मेहमान शुअरा जिनको हमने दिल्ली बम्बई भोपाल कराची इस्लामाबाद वाशिंगटन और डिट्रॉइट से मदु किया था, ताकि हम चाहते हैं कि हर खित्ते की नुमाइंदगी हो। बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को नहीं बुला पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितने भी हर इलाके को हम इसमें शामिल करें। तो ये सब शुअरा इस वक्त अब आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, और मैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये इस मुशायरे का जो सिलसिला है उसका 25वां साल है। दरअसल ये सिलसिला शुरू किया था डॉक्टर अहमद सईद साहब ने और प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम साहब ने और वो खुर्शीद उमर साहब ने, और दोनों अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर फातमा सईद साहिबा जिनके घर हमने इस मुशायरे की पहली मीटिंग की थी 25 साल पहले, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, डॉक्टर फातमा सईद साहिबा। और जब से आज तक हमारे साथ ये शामिल हैं, और अल्लाह करे कि इसी तरह हमारे साथ वो हमेशा हर मुशायरे में मौजूद रहें, और जो भी शहर की दूसरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी हमेशा फातमा आपा आगे आगे होती है। 2008 से हमने एक और सिलसिला शुरू किया था अली सरदार जाफरी आलमी अदबी अवार्ड का, और उसके लिए हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान कनाडा बरतानिया सब जगह से आने वाले शुअरा को उनकी मजमूई खिदमात के एतराफ़ में अली सरदार जाफरी अवार्ड पेश किया था। पहला अवार्ड 2008 में हमने हिमायत अली शायर साहब के
کی خدمت میں پیش کیا تھا ابھی چند مہینوں پہلے وہ بھی ہمارے درمیان سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے 2009 میں ہم نے وسیم بریلوی صاحب کو یہ انعام پیش کیا تھا 2010 میں جناب ندا فاضلی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا 2011 میں جناب سلیم کوثر صاحب کو یہ انعام پیش کیا گیا تھا 2012 میں محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ کو یہ انعام پیش کیا گیا تھا کیونکہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ بھئی خواتین نہیں آ رہی اس میں یہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے صرف اولڈ بوائز کلب بنایا ہوا ہے تو بہرحال شاہدہ حسن صاحبہ کو ہم نے یہ پیش کیا تھا اور اس کے بعد اگلے سال برِ صغیر کے سب سے بزرگ شاعر جناب گلزار دہلوی کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا گیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ایئر جو 14 تھا 13-14 میں جناب علی سردار جعفری کی 7 سالہ تقریبات ہم نے منائی تھیں اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ اس سال کینیڈا سے آئے ہوئے جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو یہ انعام پیش کیا گیا تھا نیکسٹ ایئر کراچی سے ہم نے پروفیسر سحر انصاری صاحب کو مدعو کیا تھا جن کی خدمت میں یہ انعام پیش کیا گیا تھا اور 2016 میں محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کو یہ انعام پیش کیا گیا تھا اس کے بعد اگلے سال جناب باسر کاظمی صاحب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا گیا تھا اس کے بعد جناب اشفاق حسین صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا اور اس سال یہ 12واں ایوارڈ ہم محترم جناب پروفیسر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں کے ساتھ پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب کے بارے میں ایک تو ان کی ادبی مقام کے بارے میں کچھ کہہ پانے کی میری حیثیت نہیں اور نہ میں اس کے اوپر جاؤں گا آپ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ مشاعرہ جو ہے یہ تقریر کا متحمل نہیں ہوتا تو کوئی لمبی گفتگو نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ کہنا میں یہ چاہوں گا کہ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ خیالی دنیا میں رہتا ہے نان پریکٹیکل ہوتا ہے اس کی حقیقی نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پروفیسر پیرزادہ صاحب سائنٹسٹ ہیں خود ریسرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو کرواتے ہیں اور میرے علم میں کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے جو 3 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہے ہوں 2003 میں جب اردو سائنس کالج وفاقی یونیورسٹی میں تبدیل ہوا تو نظر انتخاب پاکستان میں پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب کے اوپر پڑی اور آپ اس اردو یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے اور اس کے بعد آپ تشریف لائے واپس اپنی یونیورسٹی میں جہاں وہ پروفیسر رہے ڈین رہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے رجسٹرار رہے پرو وائس چانسلر رہے اور اس کے بعد ان کا تقرر کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے ہوا اور 12 برس انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی اور فی الحال وہاں سے ہٹنے کے بعد سر ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں یہ مختصر سا ایک تعارف ہمارے پروفیسر پیرزادہ قاسم رضا صاحب کا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سائنٹسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شعر اور ان کی نغمگی اور ان کی شائستگی اور ان کا دھیما دھیما مدھم لہجہ وہ اپنے آپ میں بڑا منفرد ہے ردیفے ہیں ہماری شاعری میں لوگ جانتے ہیں کہ جو اساتذہ نے پہلے سیٹ کر دی تھیں عام طور سے وہی قافیے اور ردیفوں میں لوگ شعر کہتے رہتے ہیں پیرزادہ قاسم صاحب کی غزلوں میں کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے نئی نئی ردیفیں نکالی ہیں اور اس میں بہترین خوبصورت شعر کہے ہیں ان کا ایک مخصوص ترنم بھی ہے
तरन्नुम से पढ़ने वाले जो लोग हैं वो आम तौर से किसी शायर के दूसरे शायर के लहजे में पढ़ा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एक मुनफरिद तरन्नुम उनके इजाद करते हैं। पीरज़ादा कासिम साहब का तरन्नुम उनका अपना है, उन्होंने किसी दूसरे का की पैरवी नहीं की। और बल्कि अभी पिछले मुशायरे में इकबाल अशर हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायर जो बड़े अच्छे तरन्नुम भी उनका है, वो आए और उस पर कहने लगे कि भाई एक गज़ल में पीरज़ादा कासिम साहब के तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये गज़ल सिर्फ उसी तरह पढ़ी जा सकती है। मैंने कहा ज़रूर आप इसे पढ़ें, और पीरज़ादा कासिम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनको गोश गुजार करा दूँगा कि इकबाल अशर अब आपके तरन्नुम में पढ़ने लगे हैं, और कह के पढ़ते हैं कि पीरज़ादा साहब के तरन्नुम में मैं पेश कर रहा हूँ। तो मैं और ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, और मैं दरख्वास्त करूँगा पीरज़ादा कासिम साहब से और दिल्ली से आए हुए अपने मोजिस मेहमान रेख्ता फाउंडेशन और जश्न रेख्ता के बानी और सरबरा जनाब संजीव सर्राफ साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और हमारी तरफ से ये अवार्ड पीरज़ादा साहब की खिदमत में पेश करें। और पीरज़ादा कासिम साहब का बहुत मशहूर हूँ मैं, पिछले कई बरसों से मुस्तकिल उनको उनसे दरख्वास्त कर रहा था, और उनकी मसरूफियतें ऐसी होती थीं कि वो हमसे कहते थे कि हम उनकी मसरूफियतें ऐसी होती थीं कि वो हमसे कहते थे कि परवेज़ तुम्हारे मुशायरे में आ सकते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए आ सकते हैं, हमारी मसरूफियात इसकी इजाज़त नहीं देती। और मैं उनसे हमेशा दरख्वास्त करता था कि मैं फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन की मुशायरा कमेटी का चेयरमैन हूँ, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी एसोसिएशन को ड्राप करते, लिहाजा हमारे सारे मुशायरों में आप तशरीफ़ लाएं। और हमारा और मैं उनसे कहता था कि भाई माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। और आखिरकार उन्होंने कहा कि अच्छा भाई मैं इस साल ज़रूर आऊँगा, एक साल पहले से वादा हो गया था। तो पीरज़ादा साहब तशरीफ़ लाए और हमारे सारे मुशायरों के लिए तशरीफ़ लाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं तारुफ कराना चाहता हूँ एक बार और अपने मेहमान खुसूसी का, जनाब संजीव सर्राफ। जनाब संजीव सर्राफ साहब जो हैं ये इंजीनियर हैं, हिंदुस्तान की सबसे इंजीनियरिंग की बड़ी यूनिवर्सिटी जो समझी जाती है IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट हैं, और इनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। इनके यहाँ कोई शायर भी ख़ानदानी नहीं था कि इससे उर्दू का कोई सिलसिला आ रहा हो, ये इनका अपना शौक है। ये हिंदुस्तान के बड़े इंडस्ट्रीज में इनका शुमार होता है, और इनका अपना खड़ा किया हुआ वो बिज़नेस है, ख़ानदानी बिज़नेस। एक 25 बरस की उम्र में इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था पॉलीप्लेक्स, और अब वो दुनिया भर में उसकी कारखाने हैं। लेकिन उर्दू का शौक़ इनको कहीं, कहते हैं कि शुरू में वालिद साहब हमारी गज़लें सुना करते थे बेगम अख्तर और मेहंदी हसन की, जब से उर्दू का शौक़ था और जब थोड़ी सी फरागत हुई तो इन्होंने उर्दू की तरफ तवज्जो दी, और उसके बाद उसके लिए वो काम किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था और आगे भी शायद वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नॉन उर्दू स्पीकिंग थे इसलिए इन्होंने वेबसाइट पे, और इंजीनियर थे, तलाश करना शुरू किया कि उर्दू के कोई वेबसाइट, उर्दू के कोई माकूल वो जिसमें मुस्तनद गज़लें, कलाम, शायरी ये दस्तयाब हो सके। और उसके बाद इन्होंने ख़ुद फ़ैसला किया कि कहीं नहीं है, मैं खुद ही बनाऊँगा, और लिहाजा इन्होंने एक टीम जमा की और रेख्ता ORG के नाम से मेरा ख़्याल है कि इसी दहाई में काम शुरू किया है, 2011 से शुरू किया, 2013 में वो वेबसाइट
तैयार करके नज़र कर दिया सामईन के, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब जश्न रेख्ता करना चाहिए। मेरे ख़्याल से 15 से वो जश्न रेख्ता शुरू हुआ, और उसकी कामयाबी का यह आलम है कि पूरी दुनिया में किसी भी ज़बान का इतना बड़ा जश्न कहीं नहीं होता जो जश्न रेख्ता दिल्ली में होता है। और उसमें कोई टिकट नहीं लगता, कोई वो नहीं होता, जो कुछ भी होता है ये अपने जेब ख़ास से उसको बर्दाश्त करते हैं। और उर्दू की तरवीज व इरशाद के लिए, यानी अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि सब अपना काम धंधा अपने दूसरों के हवाले करके पूरी तरह से उर्दू के लिए इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि एक उर्दू पे बड़ा भारी एहसान किया था राजा नवल किशोर ने। 1885 में वो यानी 1858 में मेरे ख़्याल से उन्होंने लखनऊ में नवल किशोर प्रेस कायम किया था जी, कानपुर और लखनऊ, और उसके ज़रिए उन्होंने किताबें छापनी शुरू की थी उर्दू की। ऊपर ये एक उनका बहुत बड़ा एहसान है कि जो किताबें मखतूते जहाँ से उनको मिल पाए उन्होंने अपने वक्त के बड़े आलिमों को हायर किया और उनसे कहा कि भाई जाएं तलाश करें, इसके सही नुस्खे निकालें और इसको शाया करें। और इस तरह उर्दू फारसी और अरबी के तमाम असातिज़ा का नसरी और नज़मी कलाम उन्होंने शाया किया और इस तरह उसको प्रिजर्व कर दिया, वरना कोई चीज़ ढूंढे नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर नज़ीर अकबर आबादी, नज़्म का इतना बड़ा शायर, उसको उसके वक्त के लोगों ने इग्नोर कर दिया था, किसी तस्करे में उनका नाम नहीं आता था। उस्ताद आसी को उन्होंने लगाया कि आप जाएं और उनका कलाम हासिल करें, और कहां कहां से ढूंढ के उन्होंने जनाबे वाला नज़ीर अकबर आबादी की कुल्लियात शाया की। आज इस दौर में शायर अपने को कनेक्ट करते हैं नज़ीर अकबर आबादी से कि ये था असल शायर आवाम का। और 100 बरस बाद जब वो राजा नवल किशोर की किताबें को कीड़े खा रहे थे और वक्त की सीलन में गल रहे थे वो अल्फाज, उस वक्त जनाब संजीव सर्राफ साहब ने उसको दोबारा प्रिजर्व किया और सबको डिजिटलाइज किया। जितनी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, दिल्ली की पुरानी लाइब्रेरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी, क्या नाम है, पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी, और लोगों के पास जो ज़ाती कलेक्शंस थे उनको सबको उनकी खुशामद दरामद करके जो पैसे से ख़रीदे जा सकते थे ख़रीद के जिस भी तरह उसको डिजिटलाइज करके महफूज कर दिया। और ये न सिर्फ उर्दू वालों के ऊपर और ख़ासकर हम जैसे परदेसियों के ऊपर जिनको यहाँ कोई किताब नहीं मैसर आती, जिनको कोई रेफरेंस बुक नहीं मिलती, आज आप में से हर शख्स उसके ऊपर रेख्ता ORG पे जाके कोई भी पुरानी किताब पढ़ सकता है और किसी भी किस्म की कोई फीस या कोई वो उसके ऊपर नहीं चार्ज की जाती। मैं समझता हूँ कि हमारे संजीव सरदार साहब ने आने वाली एक सदी के लिए, राजा नवल किशोर ने उनको छाप के शाया करके महफूज किया था, और अगली सदी तक के लिए हमारे संजीव सर्राफ साहब ने उसको महफूज कर दिया है। हमारे हम पे और हमारे ज़बान के ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है, और मुस्तकिल ये लगे हुए हैं कि इसको और इससे ज़्यादा बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि मैंने उनसे दरख्वास्त की थी और वो खुसूसी तौर से दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं। और मैं एक साथ
का और तारुफ कराना चाहता हूँ। प्रोफेसर अकबर हैदर यूटी आस्टिन में उर्दू के प्रोफेसर हैं और सराफ साहब ये यहाँ काम करते हैं, न सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के बच्चों को बल्कि अमेरिकन्स को उर्दू पढ़ाते हैं और उनको PhD कराते हैं। तो मैं उनको भी मधु करूँगा और आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा तशरीफ़ ले आए। हम अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से एक सिफारसनामा पेश करना चाहते हैं और प्रोफेसर अकबर हैदर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी तरफ से इनकी खिदमत में पेश करें। यहाँ सामने तशरीफ़ हैं, सामने आ जाए। प्रोफेसर अकबर हैदर साहब, ये एक ख़ास चीज़ है, एक रिसाला निकलता था विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी से, मेमन साहब निकाला करते थे, जर्नल ऑफ उर्दू स्टडीज़। उनका इंतकाल हो गया और उसकी वजह से ये रिसाला बंद हो रहा था। ये दुनिया भर में रिकग्निशन थी और प्रोफेसर अकबर हैदर साहब ने ये जिम्मा उठाया कि इसको विस्कॉन्सन से ले आए और अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से इसकी तबादत का सिलसिला जारी रहेगा। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि इसके ज़रिए दुनिया में उर्दू और उर्दू का काम जाना और पहचाना जाता है। तो मैं मुशायरा बाकायदा आप लोगों की मैंने खासी समाखराशी कर ली और मेरे ख़्याल से सब आने वाले लोग हमारे आ गए, उर्दू के जो शायकीन हैं और अदब नवाज़ हैं, क्योंकि आज बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं। ये ह्यूस्टन शहर ऐसा ही हो गया है कि हर वीकेंड पे 4-5 बड़े फंक्शन हो रहे होते हैं। बम्बई से गुलूकार आए हुए हैं, उनके भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ दोस्तों की दावतें हैं, हेल्पिंग हैंड जो हमारा स्पॉन्सर भी है उनका भी फंड रेजिंग डिनर हो रहा है, और सब चाहते हुए हमारे दोस्त सलमान रज़ाकी साहब जो हमारे इसके स्पॉन्सर भी हैं उनके बेटे की मंगनी है, तो अवॉइड नहीं कर सके हम और ये टकराव हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़वातीन हज़रात कि आपने यहाँ तशरीफ़ ला के ये साबित किया है कि आप असल में उर्दू अदब के शैदाई और परस्तार हैं। आप अपने लिए एक बार तालियां बजाएं और इसके साथ ही मैं हम आगे की मुशायरे की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि हम साइंस का जिक्र कर रहे थे और शायरी का जिक्र कर रहे थे, मैं अपने हाथ से डॉक्टर गुलजार नथानी साहब से दरख्वास्त करूँगा जो मसरूफ़ मेडिकल डॉक्टर हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे की कार्रवाई की शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, और अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ पेश करूं। ये गज़ल मैंने अभी हाल ही में लिखी है, इसमें ज़मीन किसी फैज़ साहब की है लेकिन फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है, ये शायद आप बता सकते हैं आपके तजर्बे से। जो हमने ख्वाब देखे हैं वो सारे बाँट लेते हैं, जो हमने ख्वाब देखे हैं वो सारे बांट लेते हैं, ज़मीनों आसमां के सब नज़ारे बांट लेते हैं। यहाँ फिरके हैं जितने भी, हमें उनसे नहीं मतलब, यहाँ फिरके हैं जितने भी हमें उनसे नहीं मतलब, चले जाएं अगर मस्जिद मीनारे बांट लेते हैं, चले जाएं अगर मस्जिद मीनारे बांट लेते हैं। कई तूफान जो अंदर हैं हमें जीने नहीं देते, कई तूफान जो अंदर हैं हमें जीने नहीं देते, समंदर छोड़कर वो क्यों किनारे बांट लेते हैं। सुना है और भी मस्कन कई आबाद हैं तो फिर, सुना है और भी मस्कन कई आबाद हैं तो फिर, ज़मीं को भूलकर हम भी सितारे बांट लेते हैं। कभी मुश्किल जो पड़ जाए, कई अहबाब हैं ऐसे, कभी मुश्किल जो पड़ जाए कई अहबाब हैं ऐसे, सहारा बन नहीं सकते सहारे बांट लेते हैं। बदल जाती हैं तकदीरें सुना है के लकीरों से, बदल जाती है तकदीरें सुना है के लकीरों से, चलो हम भी नसीबों के इशारे बांट लेते हैं।
चलो हम भी नसीबों के इशारे बांट लेते हैं, मुनाफे की नहीं है गर्ज हमें गुलजार दुनिया से, किसी से इश्क हो जब भी खसारे बांट लेते हैं, किसी से इश्क हो जब भी खसारे बांट लेते हैं, जो हमने ख्वाब देखे हैं वो सारे बांट लेते हैं। तो संजीदा शायरी मैं अपने लिए करता हूँ और आप लोगों के लिए कुछ मिजाहिया है, अगर इजाज़त हो तो पेश करूँ। ये तबीब है कुछ अजीब सा, नहीं देखता मेरा मर्ज है, उसे क्या खबर मुझे कब्ज है कि वो देखता मेरी नब्ज है। ये हसीन है तेरी नर्स भी, मैंने कह दिया है तबीब से, तुम्हें देखना मेरी गर्ज है, उसे देखना मेरा फ़र्ज है। चे दो तीन अशआर सुना के फिर एक गज़ल सुनाऊंगा। जलजला सा आ गया वो बात लेने जब गया, जलजला सा आ गया वो बात लेने जब गया, बच गया था वो मगर ये मार्बल का टप गया। 30 वाली कर चुकी थी 60 वाले से निकाह, 30 वाली कर चुकी थी 60 वाले से निकाह, वो मगर ये सोचती थी अब गया के तब गया, वो मगर ये सोचती थी अब गया के तब गया। पुरवजन खातून ने ये फ्यूनरल में कह दिया, पुरवजन खातून ने ये फ्यूनरल में कह दिया, सो रहा था साथ मेरे लग रहा है दब गया, सो रहा था साथ मेरे लग रहा है दब गया। आखिर में गज़ल सुनाऊंगा उर्दू ज़बान के बारे में। मगरिब का आ गया है असर बोल चाल में, मगरिब का असर, मगरिब का आ गया है असर बोल चाल में, मशरिक मगर है ख्वाब में उर्दू ख्याल में, मशरिक मगर है ख्वाब में उर्दू ख्याल में, क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल हूँ इंग्लिश के इस कदर, उर्दू ज़बान क्यों है फरंगी के जाल में, उर्दू के सुखन साज ज़माने में क्या करें, उर्दू के सुखन साज ज़माने में क्या करें, हरकत है ज़िंदगी में न बरकत है माल में, हरकत है ज़िंदगी में न बरकत है माल में, जो लोग शायरी में कर रहे हैं चोरियां, और से सुनिएगा, जो लोग शायरी में कर रहे हैं चोरियां, वो लोग सब दलील हैं नुक्ता है दाल में, वो लोग सब दलील हैं नुक्ता है दाल में। आज मुझे इस मुशायरे में काफ़ी मेमन नज़र आ रहे हैं तो एक शेर कहना ज़रूरी था। मेमन भी खूब हो गए उर्दू से आशना, मेमन भी खूब हो गए उर्दू से आशना, लिप्टन को मिलाया है किसी ने टपाल में, लिप्टन को मिलाया है किसी ने टपाल में, उर्दू की ज़िंदगी का ये नुस्खा भी मिल गया, उर्दू की ज़िंदगी का ये नुस्खा भी मिल गया। इकबाल दिलो जाँ में होगा लिप ख्याल में, इकबाल दिलो जाँ में होगा लिप ख्याल में, उर्दू से है गुलजार कहकशां में रोशनी, जैसे हो आसमां पे सितारा जमाल में। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब गुलजार नथानी साहब, मैंने कहा पेशे से डॉक्टर और शायरी का शौक़। और अब मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के बाद एक इंजीनियर साहब से, बासित जलीली साहब से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब बासित जलीली तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस जश्न के ऊपर, और हमारे संजीव सराफ साहब जो हैं उनको वेलकम, तमाम शोरा इकराम को। दो अशार एक गज़ल के फिर से उस ख्वाब को देखा, फिर से उस ख्वाब को देखा नई ताबीर के साथ, फिर से उस ख्वाब को देखा नई ताबीर के साथ,
अपनी तस्वीर लगा दी तेरी तस्वीर के साथ। क्या कहना है, अपनी तस्वीर लगा दी तेरी तस्वीर के साथ, और बेड़ियां कट भी गईं, जिस्म भी आजाद हुआ। है तेरी सोच पे पहरा नई जंजीर के साथ। और दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म है, इंसानी हकूक की पामाली है, उसके तनाजुर में दो अशार में सुनाना चाहता हूँ कि वो के रास्ता जो लिए जाता है जिंदा की तरफ, वो के रास्ता जो लिए जाता है जिंदा की तरफ, ऐसे रास्ते पे तो दीवार उठा दी जाए। वो के रास्ता जो लिए जाता है जिंदा की तरफ, ऐसे रास्ते पे तो दीवार उठा दी जाए। वो जो मजलूमों को इंसाफ नहीं दे सकता, वो जो मजलूमों को इंसाफ नहीं दे सकता, ऐसे दस्तूर को फिर आग लगा दी जाए, ऐसे दस्तूर को फिर आग लगा दी जाए। और मैं एक इशारतन अपनी, मेरी वाइफ भी यहाँ बैठी हुई हैं, कि मैं तेरी आँख के काजल से निकल सकता नहीं, मैं तेरी आँख के काजल से निकल सकता नहीं, मैं रोज रोज ठिकाने तो बदल सकता नहीं, मैं रोज रोज ठिकाने तो बदल सकता नहीं, और लगेगा वक्त तो कुछ तेरे पास आने में, लगेगा वक्त तो कुछ तेरे पास आने में। मैं आदमी हूँ हवाओं पे तो चल सकता नहीं, मैं आदमी हूँ हवाओं पे तो चल सकता नहीं। और दो अशार हैं कि ये तुम तराक ये दरिया रवि ये जिंदा दिली, ये तुम तराक ये दरिया रवि ये जिंदा दिली, मेरे मिजाज का हिस्सा मिला विरासत में। ये तुम तराक ये दरिया रवि ये जिंदा दिली, मेरे मिजाज का हिस्सा मिला विरासत में। मैं अपने पुरखों के नक्शे कदम पे चलता तो, मैं अपने पुरखों के नक्शे कदम पे चलता तो, न होता सानी मेरा फिर कोई शुजात में। एक गज़ल मैं सुनाना चाहूँगा, थोड़ी सी अलग से रंग से है, रंग इसका डिफरेंट है, कि तुम्हारे पहलू में आके बैठूं, तुम्हारे पहलू में आके बैठूं, तुम्हें मनाऊं तो खुश रहोगी, तुम्हारे पहलू में आके बैठूं, तुम्हें मनाऊं तो खुश रहोगी, कलम उठाऊं मैं गीत लिखूं मैं गुनगुनाऊं तो खुश रहोगी। और फिज़ा में खुशबू बिखर रही है, फिज़ा में खुशबू बिखर रही है, है मस्तियों में चमन भी सारा, फिज़ा में खुशबू बिखर रही है मस्तियों में चमन भी सारा, तुम्हारे हाथों से जाम पीके जो डगमगाऊं तो खुश रहोगी। और मुझे मुसाफिर समझ के तुमने, मुझे मुसाफिर समझ के तुमने जो फासला सा रखा हुआ है, मुझे मुसाफिर समझ के तुमने जो फासला सा रखा हुआ है, ये दरमियाँ जो हिजाब सा है, ये दरमियाँ जो हिजाब सा है, उसे हटाऊं तो खुश रहोगी। और चमन का माली नशे में धुत है, मैं तवज्जो चाहूँगा कि चमन का माली नशे में धुत है, न होश इसको न पास इसको, चमन का माली नशे में धुत है, न होश इसको न पास इसको, मैं करके फूलों की आबियारी बहार लाऊं तो खुश रहोगी। और ये मरमरी सा बदन तुम्हारा, ये झील जैसी गहरी आँखें, ये मरमरी सा बदन तुम्हारा, ये झील जैसी तुम्हारी आँखें, मैं अपनी बाहों में भर के तुमको जो डूब जाऊं तो खुश रहोगी। तो ज़मीन से रिश्ता बहुत है गहरा, ज़मीन से रिश्ता बहुत है गहरा, खमीर बासित उठा इसी से, ज़मीन से रिश्ता बहुत है गहरा, खमीर बासित उठा इसी से, मैं मुश्क बन के जो सारी धरती पे फैल जाऊं तो खुश रहोगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बासित जलीली, जो एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हैं और एक अदबी एसोसिएशन के सदर भी हैं। इनके बाद मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ शहर की अपनी एक और मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर शगुफ्ता नकवी से,
कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर शगुफ्ता नकवी, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। और आज हम सब लोगों की, ह्यूस्टन की बहुत खुशकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं, और हम सब की यही कोशिश होगी कि हम मुख्तसर अपनी चीज़ें सुनाएं ताकि हमें ज़्यादा वक्त मिले कि हम इन सब लोगों से सुन सकें। जी, तो एक नज़्म आप लोगों की नज़र है, इजाज़त से साहिब सदर की। जी, नज़्म का उन्वान तो है बेहिसी की मेराज, लेकिन ये नज़्म एक ज़ैनब के नाम है, और आप लोग जिनकी शायद बच्चियां हैं यकीनन इस हादसे के से वाकिफ़ होंगे जिसकी तरफ मेरा इशारा है। मुझे अब एक नई दुनिया में जाना है, मुझे अब एक नई दुनिया में जाना है जहां मुझको कोई धड़का नहीं होगा। मुझे अब एक नई दुनिया में जाना है जहां मुझको कोई धड़का नहीं हो, जहां मैं ये नहीं सोचूं कि ये दिन कौन सी आफत बुलाएगा, मुझे आंसू रुलाएगा। न जाने कितनी नन्नी चांद सी शहजादियाँ खिलने से पहले ही मसल दी जाएंगी, और फिर सभी को ये दिलासा दे के ठंडा कर दिया जाएगा कि वो नन्नी सी परियाँ बहुत बेहतर जगह पर हैं। सो न जाने कितनी नन्नी चांद सी शहजादियाँ खिलने से पहले ही मसल दी जाएंगी, और फिर सभी को ये दिलासा दे के ठंडा कर दिया जाएगा कि वो नन्नी सी परियाँ बहुत बेहतर जगह पर हैं, और हम सब बेहिसी की चादरों को ओढ़कर फिर अपनी अपनी ज़िंदगी को लौट जाएंगे दोबारा फिर किसी ज़ैनब के मरने तक। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शगुफ्ता नकवी, हमेशा मैंने जो अपने आसपास बिखरे हुए दुख हैं उनको महसूस करती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करती हैं, और डॉक्टर की हैसियत से भी, और जब कलम उठाती हैं तो उतने ही हसास मौजूआत पे, और बड़ी मसरूफ़ डॉक्टर हैं, एक क्लिनिक से दूसरी क्लिनिक के बीच जाते हुए मेरे ख़्याल से ये गज़ल और नज़्म कुछ लिख लेती हैं, और हमारे मुशायरे में हमेशा एक नई नज़्म जो दौरे हाज़िर की हालात से मुताल्लिक होती है वो लिख के लाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और उसके बाद मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ हमारी एक और शायरा से, मोहतरमा फराह इकबाल से, कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो आपकी जानी पहचानी हुई हैं, TV1 पे भी आप उनको मुस्तकिल देखते रहते हैं, उनके दो शेरी मजमूए भी शाया हो चुके हैं। मोहतरमा फराह इकबाल साहब, कई बरसों से वो हमारे मुशायरे में आई नहीं थी, तो मैं कहा इस मरतबा ज़रूर आइए। चलिए तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया आपका। जश्न पीरज़ादा कासिम पे मैं आपको भी मुबारकबाद देती हूँ। पीरज़ादा कासिम साहब हमारे बहुत मोज़्ज़ज़ मोतबर सीनियर असातिज़ा में से हैं, और संजीव सराफ साहब को मैं स्पेशली खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनका कलाम और किताब दोनों रेख्ता पर मौजूद हैं। चंद ताज़ा अशआर पेश करती हूँ। जी, शायर। तमन्ना थी जो आँखों में वही लहजे में रख देना, तमन्ना थी जो आँखों में वही लहजे में रख देना, मैं आऊँ तो उम्मीदों का दिया रस्ते में रख देना। तमन्ना थी जो आँखों में वही लहजे में रख देना, मैं आऊँ तो उम्मीदों का दिया रस्ते में रख देना। और समेटोगे कभी चादर जो तुम उम्रे गुरेजा की, समेटोगे कभी चादर जो तुम उम्रे गुरेजा की, बस एक खुशबू भरा लहजा मेरे हिस्से में रख देना। समेटोगे कभी चादर
जो तुम उम्रे गुरेजा की बस एक खुशबू भरा लहजा मेरे हिस्से में रख देना और मोहब्बत की हसी वादी में तुम ठहरे ना हम ठहरे, मोहब्बत की हसी वादी में तुम ठहरे ना हम ठहरे, अब इन नरगिस के फूलों को कहीं रस्ते में रख देना, मोहब्बत की हसी वादी में तुम ठहरे ना हम ठहरे, अब इन नरगिस के फूलों को कहीं रस्ते में रख देना। बहुत शुक्रिया। चंद और ताज़ा शार। यूं तो बरसों तक वो मेरी आरजू करता रहा, यूं तो बरसों तक वो मेरी आरजू करता रहा, पर मिला तो और ही फिर गुफ्तगू करता रहा, यूं तो बरसों तक वो मेरी आरजू करता रहा, पर मिला तो और ही फिर गुफ्तगू करता रहा, पढ़ सका ना वो नमाज़े इश्क सारी ज़िंदगी, पढ़ सका ना वो नमाज़े इश्क सारी ज़िंदगी, बस मेरी यादों से रोज़ाना वजू करता रहा, पढ़ सका ना वो नमाज़े इश्क सारी ज़िंदगी, बस मेरी यादों से रोज़ाना वजू करता रहा, पढ़ सका ना वो नमाज़े इश्क सारी ज़िंदगी, बस मेरी यादों से रोज़ाना वजू करता रहा, कह नहीं पाया वो कुछ भी हैरतों के दरमियाँ, कह नहीं पाया वो कुछ भी हैरतों के दरमियाँ, सारी बातें आईनों के रूबरू करता रहा, कह नहीं पाया वो कुछ भी हैरतों के दरमियाँ, सारी बातें आईनों के रूबरू करता रहा, रोक पाया कब वो एक लम्हा भी गुजरे वक्त का, रोक पाया कब वो एक लम्हा भी गुजरे वक्त का, दायरे में वक्त के बस हाओ हू करता रहा, रोक पाया कब वो एक लम्हा भी गुजरे वक्त का, दायरे में वक्त के बस हाओ हू करता रहा, अधखुली आँखों में रख कर ख्वाब की शम्मा कोई, अधखुली आँखों में रख कर ख्वाब की शम्मा कोई, रोशनी के वास्ते आँखें लहू करता रहा, और कर रहा था राज की बातें सभी वो चांद से, कर रहा था राज की बातें सभी वो चांद से, चांद था के सारी बातें कूबकू करता रहा। शुक्रिया बहुत बहुत। चंद और ताज़ा शार हैं। कि ये थक गई हैं ताल्लुक को अब निभाते हुए, ये थक गई हैं ताल्लुक को अब निभाते हुए, बदन की खाक को रूहें सभी उठाते हुए, ये थक गई हैं ताल्लुक को अब निभाते हुए, बदन की खाक को रूहें सभी उठाते हुए, ये आईना जो मेरे वक्त के सराने है, ये आईना जो मेरे वक्त के सराने है, दिखा रहा है मुझे शाम पास आते हुए, और मैं ताके वक्त में रखी हुई कहानी थी, मैं ताके वक्त में रखी हुई कहानी थी, जो रह गई थी अधूरी कभी सुनाते हुए। बहुत शुक्रिया। समंदरों में कुछ ऐसे सफ़र किया मैंने, समंदरों में कुछ ऐसे सफ़र किया मैंने, भंवर ने रास्ता दिया मुझको मुस्कुराते हुए, और वो एक ख्वाब की तस्वीर लेके बैठा था, वो एक ख्वाब की तस्वीर लेके बैठा था, मैं थक गई उस तस्वीर को बनाते हुए, और तुम्हें चमकना है कहीं और जाके चमको तुम, तुम्हें चमकना है कहीं और जाके चमको तुम, ये चांद कहने लगा मुझसे जगमगाते हुए। बहुत शुक्रिया। और ये ताज़ा गज़ल है। तुमने देखे कभी गुनगुनाते हुए मौसमों में हवाओं से जलते चराग, तुमने देखे कभी गुनगुनाते हुए मौसमों में हवाओं से जलते चराग, कैसे राजों से पर्दा उठाते हुए माबदों में दुआओं से जलते चराग, इस मोहब्बत में कुछ भी नहीं ना सही जिंदगी में मगर रोशनी तो रही, इस मोहब्बत में कुछ भी नहीं ना सही जिंदगी में मगर रोशनी तो रही, मौजाए मोहब्बत का कम तो नहीं हमने देखे वफाओं से जलते चराग, आरजू के शबिस्तां में मुद्दत तलक जगमगाए सदाओं से किसकी आवाज़ थी जिसने रोशन किया इन महोसाल में मेरा हर रास्ता, किसकी आवाज़ थी जिसने रोशन किया इन महोसाल में मेरा हर रास्ता,
आरजू के शबिस्ता में मुद्दत तलक जगमगाए सदाओं से जलते चराग। हर दुआ की फलक से है डोरी बंधी और कुन से जुड़ा है सिरा आज तक। हर दुआ की फलक से है डोरी बंधी और कुन से जुड़ा है सिरा आज तक। तू जो करता यकीन तो सभी देखते रक्स में तेरे पाँव से जलते चराग। खूने दिल से तो देखे हैं जलते हुए इश्क के रास्तों में हमेशा मगर। खूने दिल से तो देखे हैं जलते हुए इश्क के रास्तों में हमेशा मगर। ताके दिल पे कभी हमने देखे नहीं यूं किसी की अनाओं से जलते चराग। शुक्रिया बहुत बहुत। खूने दिल से तो देखे हैं जलते हुए इश्क के रास्तों में हमेशा मगर। ताके दिल पे कभी हमने देखे नहीं यूं किसी की अनाओं से जलते चराग। तेरी यादों के जंगल में रोशन हुआ एक तसव्वुर से यूं सारा मंजर मेरा। तेरी यादों के जंगल में रोशन हुआ एक तसव्वुर से यूं सारा मंजर मेरा। जुगनुओं की तरह झिलमिलाते मिले याद की कहकशाओं से जलते चराग। तुमने देखे कभी गुनगुनाते हुए मौसमों में हवाओं से जलते चराग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फराह इकबाल साहिबा ने अपनी गज़लों से और मुंतखब अशार से नवाजा, बेहद शुक्रिया। और एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे जो अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन के साथी हैं उनसे भी अगर सुन रहे हैं और सामईन से, कि इस हाल के कवायद के मुताबिक खाने पीने की चीज़ें अंदर हाल में लाने की पाबंदी है। तो वहाँ पे हमने इंतज़ाम रखा हुआ है चाय समोसों का, बराए मेहरबानी वहाँ पे खाएं, क्योंकि ये इसको पकड़ेंगे तो कोई $500 हमें जुर्माना देना पड़ेगा इसका, जनाबे वाला वो हमें पड़ेगा जो खा भी नहीं रहा। और वीडियो बन रही है वो साबित भी कर देंगे कि ये देखिए आपके, आपने ये हमारे कानून तोड़े। तो बराए मेहरबानी बाहर खा के और फिर तशरीफ़ लाएं, आवाज़ बाहर तक जा रही है। और इसके बाद मैं जो जिस शायर से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, मेरा ख़्याल है कि वो यहाँ है मौजूद, मुझे नज़र नहीं आ रहे किसी तरफ। वो शायर टीवी एंकर कॉलम निगार की हैसियत से पहचाने जाते हैं और अब जल्दी ही मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने अमेरिका की मज़ाहमती शायरी का मंजूम तर्जुमा किया है, जो भी उनकी नई किताब सामने आ गई है। आप सब वाकिफ़ हैं जनाबे गज़नफ़र हाशमी। ख़वातीन हज़रात, मैं जनाबे पीरज़ादा को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने दोस्तों को यहां खुश आमदीद कहता हूं। जनाबे संजीव सराफ को भी खुश आमदीद और आप सबको, बंदर भाई आपको, तराज भाई को, और मैं अपने इस्लामाबाद के जो हमारे सीनियर दोस्त हैं जिनसे आज काफ़ी अरसा बाद मुलाकात हुई, जनाबे सरफराज शाहिद को ख़ास तौर पे खुश आमदीद कहता हूँ। और एक ऐसा शख्स जिसने उर्दू मज़ा में एक बड़ा नाम और एक ऐसा नाम जिस पे हम दोस्ती का फ़ख्र करते हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि वो मुझे दाद ज़्यादा देंगे। हर दौर मेरा साथ निभाने के लिए था, हर दौर मेरा साथ निभाने के लिए था, लेकिन मैं किसी और ज़माने के लिए था। हर दौर मेरा साथ निभाने के लिए था, लेकिन मैं किसी और ज़माने के लिए था। एक याद गुरेज़ा थी कदम रोकने वाली, एक याद गुरेज़ा थी कदम रोकने वाली, एक ख्वाब मुझे तेज़ चलाने के लिए था। एक याद गुरेज़ा थी कदम रोकने वाली, एक ख्वाब मुझे तेज़ चलाने के लिए था। मिट जाएगा सब कुछ मेरे उठते ही यहाँ से, मिट जाएगा सब कुछ मेरे उठते ही यहाँ से, ये रंगे तमाशा मेरे आने के लिए था। मिट जाएगा सब कुछ मेरे उठते ही यहाँ से,
ये रंगे तमाशा मेरे आने के लिए था, आंखों में ख्वाहिशों के दफीने निकल पड़े, आंखों में ख्वाहिशों के दफीने निकल पड़े, रगड़े बगैर एड़ियां चश्मे निकल पड़े, आंखों में ख्वाहिशों के दफीने निकल पड़े, रगड़े बगैर एड़ियां चश्मे निकल पड़े, चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अफजाल साहब, चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अब थक के गिर पड़ा हूँ तो रास्ते निकल पड़े। चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अब थक के गिर पड़ा हूँ तो रास्ते निकल पड़े। उस खुश बदन को देखने जाता था हर कोई, उस खुश बदन को देखने जाता था हर कोई, किससे मगर तमाम हमारे निकल पड़े। उस खुश बदन को देखने जाता था हर कोई, किससे मगर तमाम हमारे निकल पड़े। मुफलिस के घर से भूख निकलने की देर थी, मुफलिस के घर से भूख निकलने की देर थी, चारों तरफ से कुर्ब के रिश्ते निकल पड़े। मुफलिस के घर से भूख निकलने की देर थी, चारों तरफ से कुर्ब के रिश्ते निकल पड़े। एक रोज मैं निकल गया शहरे मदार से, एक रोज मैं निकल गया शहरे मदार से, फिर देखते ही देखते सारे निकल पड़े। कुछ शेर चंद मैं इजाजत लूंगा फिर। जुज इज़्ने सफर कोई इशारा भी नहीं था, जुज इज़्ने सफर कोई इशारा भी नहीं था, मैं शहर से निकला तो सितारा भी नहीं था। जुज इज़्ने सफर कोई इशारा भी नहीं था, मैं शहर से निकला तो सितारा भी नहीं था, फिर टूट पड़ा मुझ पे ही लश्कर मेरा सारा, फिर टूट पड़ा मुझ पे ही लश्कर मेरा सारा, मैं जंग अदू से अभी हारा भी नहीं था। फिर टूट पड़ा मुझ पे ही लश्कर मेरा सारा, मैं जंग अदू से अभी हारा भी नहीं था। और शेर सुनिए कि हमको तो सदा ऐसे ही दरियाओं ने घेरा, हमको तो सदा ऐसे ही दरियाओं ने घेरा, पानी भी ना था जिनमें किनारा भी नहीं था। हमको तो सदा ऐसे ही दरियाओं ने घेरा, पानी भी ना था जिनमें किनारा भी नहीं था। हमको तो सदा ऐसे ही दरियाओं ने घेरा, पानी भी ना था जिनमें किनारा भी नहीं था। एक शहर मुझे थामने कैसे चला आया, एक शहर मुझे थामने कैसे चला आया, मैंने तो कोई नाम पुकारा भी नहीं था। एक शहर मुझे थामने कैसे चला आया, मैंने तो कोई नाम पुकारा भी नहीं था। चुपचाप बस एक रोज जुदा हो गए हम भी, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। चुपचाप बस एक रोज जुदा हो गए हम भी, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आखिर में तीन शेर सुना के जस लूँगा। कोई जितना भी बुलाता है गुजर जाता हूँ, कोई जितना भी बुलाता है गुजर जाता हूँ, एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता हूँ, एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता हूँ, मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मैं अगर इनको रिहा करता हूँ मर जाता हूँ। मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मैं अगर इनको रिहा करता हूँ मर जाता हूँ, ये जो दुनिया है
ये मेरी नहीं होने वाली, ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूँ। ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूँ। अपने बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता, अपने बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता, खुद में होता हूँ कभी खुद से मुकर जाता हूँ। जनाब गज़ल फर हाशमी गज़ल सरा थे, और इससे पहले कि मैं दूसरे शायर को दावत कलाम दूँ, मैं अपना खुशगवार फरीज़ा समझता हूँ कि हमारे मीडिया के जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने जो हमारी आवाज़ हमारा पैगाम आप लोगों तक पहुँचाते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। रेडियो संगीत के सईद गद्दी साहब अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मुस्तकिल वो हमारा इश्तहार चलाते रहे, और आज हमारे शायरों को उन्होंने ऑन एयर लेके लोगों तक बात पहुँचाई, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा। रफिया सिद्दीकी साहिबा यहाँ है रेडियो सबरंग पे, वो प्रोग्राम करती हैं मंडे को 12 बजे से, और उन्होंने हमेशा, मैं समझता हूँ कि एक लंबा अरसा है जो हमारे मुशायरे का है और उनकी रेडियो का भी है, और मुस्तकिल जब हमारा मुशायरा होता है वो हमारा साथ देती हैं, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाती हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ मौजूद हैं वो। रेडियो दबंग के मुईद खान साहब, उनका भी शुक्रिया, और ख़ास तौर से मसूद शेरवानी साहब का कि जो अपने प्रोग्राम में मुस्तकिल हमारे इस मुशायरे की का ऐलानात करते रहे। रेडियो परदेश के मुईन पर पीरजादा साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो भी अपने रेडियो पे मुस्तकिल हमारे इस मुशायरे का ऐलान करते रहे, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके अलावा अखबारात जिनमें बड़े बड़े इश्तहारात हमारे शाया होते रहे हैं, हमारी प्रेस रिपोर्ट भी आती रही, जनाब शमीम सैयद साहब सामने तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान न्यूज़ के, ये भी जब से शायद हम ये मुशायरा कर रहे हैं हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारे साथ तावन करते हैं, आपका शुक्रिया। जनाब महमूद अहमद साहब उर्दू टाइम्स के किसी दूसरे प्रोग्राम को कवर करने गए हैं, इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग तस्वीरें बांट लेंगे, अभी आ जाएंगे, उनका भी शुक्रिया। हमारे तारिक खां साहब तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जमील सिद्दीकी साहब सामने तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रॉनिकल के, बेहद शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान टाइम्स के नजम शेख साहब, वो भी हमारे इश्तहारात हमेशा चलाते हैं और हमारी पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, और सच्ची बात यह है कि ये मीडिया हमारे साथ अगर ना हो तो शायद आप लोगों तक हमारी बात पहुंच ना पाए, इसलिए मैं इन सब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ ही मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ अपने एक और हमदमे देरेना से कि जब हम लोग कोई 3 दहाइयों पहले आए थे तो इशरत आफरीन अपनी किताब लेके पाकिस्तान से आई थी, उनके अलावा एक और शायर से हमारी मुलाकात हुई कि जिसके पास अपना मजमुआ शायाशुदा मौजूद था, ये शहर का वाहिद 2 लोग थे जो साहिब किताब थे इस शहर में, 3 दहाई पहले की बात है, अब का तो बात अलग है, उसका तस्करा ही नहीं करना। और रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस, उर्दू अदब और शायरी का एक जाना पहचाना नाम है, उनके 5 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और जल्दी ही लाहौर से उनकी कुलियात शाया हो रही है, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब डॉक्टर अफजाल फिरदौस से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से।
मैं माजरत खां हूँ पीरज़ादा कासिम साहब से और बाकी तमाम शुरा और शायरात से कि मैं संडे को, चूँकि मेरी मजदूरी का दिन होता है, सैटरडे को मैं आता नहीं हूँ, लेकिन परवेज़ बड़ा उपदेशक है, दिल बातों में वो लेता है और इसलिए मुझे आना पड़ा। दूसरी बात यह कि पीरज़ादा साहब से कोई 30-35 साल की याद अल्लाह है और उनके लिए भी आना ज़रूरी था, तो मैं आपको इस जश्न पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले महीने एक मुशायरा था और कुछ भाभियाँ मेरी मुझसे नाराज़ हो रही थी कि कुछ ताज़ा नहीं सुनाया। अगर वो भाभियाँ इधर हैं तो प्लीज़ ताज़ा सुन लें। अहबाब दोस्ती का तावान मांगते हैं, अहबाब दोस्ती का तावान मांगते हैं, कुछ मेहरबान तो मुझसे मेरी जान मांगते हैं। भाभियों ने इतना सताया हुआ अहबाब दोस्ती का तावान मांगते हैं, कुछ मेहरबान तो मुझसे मेरी जान मांगते हैं। हूँ आपको मुबारक मसनद व सरफराजी, हूँ आपको मुबारक मसनद व सरफराजी, हम लोग सिर्फ अपनी पहचान मांगते हैं। हूँ आपको मुबारक मसनद व भाभी आप नहीं सुन रही, हूँ आपको मुबारक मसनद व सरफराजी, हम लोग सिर्फ अपनी पहचान मांगते हैं। और शेर देखिए कि बाहों जैसी आँखों में वीरानी कर देता है, बाहों जैसी आँखों में वीरानी कर देता है, ऐसा दुख तो पत्थर को भी पानी कर देता है। बाहों जैसी आँखों में वीरानी कर देता है, ऐसा दुख तो पत्थर को भी पानी कर देता है। दिल की धड़कन कर देता है तेज तुम्हारा चेहरा, दिल की धड़कन कर देता है तेज तुम्हारा चेहरा, चांद समुंदर की लहरों को तूफानी कर देता है। अब एक ताज़ा गज़ल सुनिए कि शाखों से लपकता हुआ शोला निकल आए, शाखों से लपकता हुआ शोला निकल आए, पत्थर में से महबूब का चेहरा निकल आए, शाखों से लपकता हुआ शोला निकल आए, पत्थर में से महबूब का चेहरा निकल आए। मैं वक्त की खिड़की से ज़रा झांक के देखूं, मैं वक्त की खिड़की से ज़रा झांक के देखूं, और मेरे बुज़ुर्गों का ज़माना निकल आए। मैं वक्त की खिड़की से ज़रा झांक के देखूं, और मेरे बुज़ुर्गों का ज़माना निकल आए। खंडरात पे लिखी हुई बेकार सी तहरीर, खंडरात पे लिखी हुई बेकार सी तहरीर, शायद किसी तहजीब का नौहा निकल आए। खंडरात पे लिखी हुई बेकार सी तहरीर, शायद किसी तहजीब का नौहा निकल आए। और चढ़ते हुए बिफरे हुए कुलज़म पे असा मार, चढ़ते हुए बिफरे हुए कुलज़म पे असा मार, फिर देख समुंदर में से रास्ता निकल आए, फिर देख समुंदर में से रास्ता निकल आए। इस शहर में आए हो तो आवाज़ लगाओ, इस शहर में आए हो तो आवाज़ लगाओ, मुमकिन है कोई और भी हमसा निकल आए। इस शहर में आए हो तो आवाज़ लगाओ, मुमकिन है कोई और भी हमसा निकल आए। शेर देखिए कि तुम गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ, तुम गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ, शायद किसी मज़ज़ूब का हुजरा निकल आए। तुम गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ, शायद किसी मज़ज़ूब का हुजरा निकल आए। इस रात की तारीख पुरसरार गुफा से, इस रात की तारीख पुरसरार गुफा से, उड़ता हुआ सूरज का परिंदा निकल आए। इस रात की तारीख पुरसरार गुफा से,
उड़ता हुआ सूरज का परिंदा निकल आए, मैं वक्त की गलियों में किसी मोड़ पे निकलूं, मैं वक्त की गलियों में किसी मोड़ पे निकलूं, आगे मेरे बचपन का वो लड़का निकल आए। वाह 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 वाह, हमारे दोस्त रेवरेंड, सही है कि सुबह इनको चर्च में वाज देने के लिए जाना होता है और सैटरडे में उसकी तैयारी करनी होती है, लेकिन खैर हमारे पुराने दोस्त हैं और हमारी बात नहीं टालते, आ गए, बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा कि उर्दू के जाने पहचाने शायर ये पंजाबी में भी शायरी करते हैं और इनका एक मजमूआ मेरे ख़्याल से पंजाबी में भी शाया हुआ है। और इसके बाद इसके साथ ही मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ, यानी ये मुशायरे के साथ साथ हमारे शहर में पिछले कुछ दिनों से एक नई हलचल शुरू हुई है, वो स्टेज ड्रामे की है। हमारी बहन यहाँ पे मौजूद हैं तज़ीन, उनका ड्रामा, ये तीसरा ड्रामा होने जा रहा है इसी स्टेज के ऊपर 1 दिसंबर को, मोहब्बत फ़ातह आलम के नाम से इनका ड्रामा स्टेज होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, इनका शायद बाहर फ्लायर भी मौजूद हो, कि आइए। स्टेज ड्रामे बहुत दिनों से हमारे यहाँ ख़त्म हो गए थे और इन्होंने दोबारा उसमें ज़िंदगी की लहर फूकी है। तज़ीन ज़ाहिदा हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और इन सब के साथ साथ मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं अपने अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का, साथियों का, अपनी एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स का और ख़ुसूसन हमारी मुशायरा कमेटी के अरकान डॉक्टर मोइनुल हक, डॉक्टर अजमल अंसारी, डॉक्टर अबू ज़र सैयद, मैंने जैसा कहा ये सब साइंटिस्ट हैं मगर हमारे साथ जो है इस मुशायरे में हमारे साथ मौजूद होते हैं, डॉक्टर अबू ज़र सैयद, नासिर आलम, इरफान जाफरी और ज़ीशान सैयद, ये हमारे मुशायरा कमेटी के अरकान हैं जिनकी मेहनत से यह महफिल सजती है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि उनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजाएं। मैं तो आके खड़ा हो जाता हूँ यहाँ सिर्फ, लेकिन सारा इंतज़ाम आप देखते हैं कि ये लोग कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही हमारे स्पॉन्सर्स, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है, उसके बिना यह अदबी प्रोग्राम चल नहीं सकते। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने इस शहर के अदब नवाज़ों का कि वो हमें, हमारे ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं और हमें कभी इसकी कमी महसूस नहीं होती कि हमें ये मुशायरा करने में दिक्कत पेश आ रही है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम स्पॉन्सर्स का। ये हमारा मुजल्ला है, इसमें उनके नाम भी छपे हुए हैं और इसमें कुछ खूबसूरत अच्छे मज़ामीन हमने पीरदादा साहब के मुतालिक, इस अहद के बड़े प्रोफेसर और साहिबान अदब के शाया किए हैं, तो ये लेके जाइएगा और इसको पढ़िएगा भी। और इसके बाद हम अपने मेज़बान शायरों का सिलसिला ख़त्म करने से पहले इशरत आफरीन साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इशरत आफरीन, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ख़ास मेरी दरख्वास्त पर ये दरख्वास्त कबूल की। काफ़ी अरसे से हम कह रहे थे लेकिन मेरा मान रखा, तशरीफ़ लाए और उन्हें जश्न की मुबारकबाद। और जनाब संजीव सराफ साहब तशरीफ़ लाए और वो यहाँ पर हैं, उनकी मौजूदगी हमारे लिए और भी तक़वियत का बाइस है कि वो आलमी सतह पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उर्दू अदब के लिए और तारीख़ अदब में बिलाशुबा उनका नाम जो है वो बहुत रोशन हरूफ से लिखा जाएगा। ग़ज़ल के चंद अशार इजाज़त चाहूँगी। वो शहरे गुमान अब कहाँ है, वो शहरे गुमान अब कहाँ है, वो मेरा मकान अब कहाँ है,
वो शहरे गुमान अब कहाँ है, वो मेरा मकान अब कहाँ है। कुछ रोशनियाँ दिखाई दी थी बस्ती का निशान अब कहाँ है। और रास्ते भी वही हैं, हौसले भी वही हैं हौसले भी, पर जिस्म में जान अब कहाँ है। रास्ते भी वही हैं हौसले भी, पर जिस्म में जान अब कहाँ है। और अब मैं भी बहुत बदल गई हूँ, मुझको तेरा ध्यान अब कहाँ है। अब मैं भी बहुत बदल गई हूँ, मुझको तेरा ध्यान अब कहाँ है। और दहशत ने जमा लिए हैं डेरे, दुनिया में अमान अब कहाँ है। दहशत ने जमा लिए हैं डेरे दुनिया में अमान अब कहाँ है। और आखिरी शेर है कि सब उठ गए प्यार करने वाले, पहला सा जहान अब कहाँ है। सब उठ गए प्यार करने वाले पहला सा जहान अब कहाँ है। और एक और गज़ल की इजाज़त चाहूँगी कि कुशादा सहन खुली खिड़कियाँ सुनहरी धूप, कुशादा सहन खुली खिड़कियाँ सुनहरी धूप, कदीम पेड़ झुकी टहनियाँ सुनहरी धूप। और सुनहरी धूप वो जुस्तजू का नशा बचपने के वो मौसम, वो जुस्तजू का नशा बचपने के वो मौसम, लदी फंदी हुई झरबेरियाँ सुनहरी धूप। और लदी फंदी हुई झरबेरियाँ और लिपे पुते हुए आंगन में धूप छाँव का खेल, लिपे पुते हुए आंगन में धूप छाँव का खेल, वो मेरे गांव के कच्चे मकान सुनहरी धूप। और शेर है कि निगलता जाता है बारूद रंग फूलों के, ये मुझसे करती है सरगोशियाँ सुनहरी धूप। और ये मुझसे करती है सरगोशियाँ सुनहरी धूप, और कहाँ से लाएंगे बच्चों के वास्ते अपने, गई सदी का खुला आसमां सुनहरी धूप। निगलता जाता है बारूद रंग फूलों के, ये मुझसे करती है सरगोशियाँ सुनहरी धूप, और कहाँ से लाएंगे बच्चों के वास्ते अपने, गई सदी का खुला आसमां सुनहरी धूप। और कहानियों में सुनाया करेंगे आगे लोग, कहानियों में सुनाया करेंगे आगे लोग, सितारे फूल धनक तितलियां सुनहरी धूप। सितारे कहानियों में सुनाया करेंगे आगे लोग, सितारे फूल धनक तितलियां सुनहरी धूप। और आखिरी एक दुआया शेर है कि खुदा न करदा कि मिट्टी से हो कभी नाराज, खुदा न करदा कि मिट्टी से हो कभी नाराज, ये मुस्कुराती हुई मेहरबान सुनहरी धूप। उदास कुशादा सहन खुली खिड़कियाँ सुनहरी धूप,
قدیم پیڑ جھکی ٹہنیاں سنہری دھوپ پر. جی بہتر حکم ہے صاحب صدر کا جو میں ٹال نہیں سکتی. ایک نظم پہلے پیش کرتی ہوں. اس کا عنوان ہے, ایک چھوٹی سی نظم کی فرمائش بھی کسی نے کی تھی ہماری کسی دوست نے ابھی آتے ہوئے, تو وہ ہے کہ میرا درد نہ جانے کوئی, ایک طرف بیٹی ہے میری ایک طرف میری ماں, دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں. ایک طرف بیٹی ہے میری ایک طرف میری ماں, دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں, باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں. دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں, اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں. میرے دونوں ہاتھ بندھے میرا درد نہ جانے کوئی. اور بہت ٹائم نہیں ہے اور یہاں پر میرے پاس غزل یاد نہیں ہے مجھے اصل میں. جی یہاں کسی کی آنکھ, چلے غزل کی یہ شعر کچھ, یہاں کسی کی آنکھ اور کسی کے کان بند ہیں, نکل چلو کہ اس گلی کے سب مکان بند ہیں. یہاں کسی کی آنکھ اور کسی کے کان بند ہیں, نکل چلو کہ اس گلی کے سب مکان بند ہیں. اور لٹک رہی ہیں سولیوں پہ دور تک سماتیں. آدھا برس لٹک رہی ہیں سولیوں پہ دور تک سماتیں, سنا ہے سارے نئے نوازو قصہ خان بند ہیں. سنا ہے سارے نئے نوازو قصہ خان بند ہیں. اور لگی ہیں یوں تو ساحلوں پہ کشتیاں قطار سے, لگی ہیں یوں تو ساحلوں پہ کشتیاں قطار سے, مگر ہوا رکی ہے اور بادبان بند ہیں. مگر ہوا رکی ہے اور بادبان بند ہیں. اور محبتوں کے شہر اب کے بار تجھ کو کیا ہوا, محبتوں کے شہر اب کے بار تجھ کو کیا ہوا, کہ در کھلے ہوئے ہیں دل کے اور مکان بند ہیں. آدھا برس کہ در کھلے ہوئے ہیں دل کے اور مکان بند ہیں. اور وہ چاشنی جو تھی بیان و حرف میں نہیں رہی, وہ چاشنی جو تھی بیان و حرف میں نہیں رہی, وہ سلسلے جو تھے دلوں کے درمیان بند ہیں. وہ چاشنی جو تھی بیان و حرف میں نہیں رہی, وہ سلسلے جو تھے دلوں کے درمیان بند ہیں. اور ستم تو یہ ہے, ستم یہ ہے ہمارے جیسے خوشگمان خود اپنے ہی حصار ذات اور انا کی قید میں. آخری شعر ہے کہ خود اپنے ہی حصار ذات اور انا کی قید میں, ستم یہ ہے ہمارے جیسے خوشگمان بند ہیں. یہ تھیں عشرت آفرین. اور اس سے پہلے کہ میں مہمان شاعروں کا سلسلہ شروع کروں, ہمارے مہمان خصوصی جو ہماری خاص دعوت پہ دہلی سے تشریف لائے ہیں, اور شروع میں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ اور اردو کا سب سے بڑا جشن, جشن ریختہ منانے والے جناب سنجیو صراف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اکثر لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ آئی ٹی آئی کے انجینئر اتنے بڑے پروفیشنل اس اردو میں کہاں سے آ گئے, جس سے نہ کوئی روزگار کا تعلق ہے نہ کوئی سلسلہ ہے. تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں, تو میں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال ہوں گے, تو میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ جناب کچھ ارشاد فرمائیے
कि ये इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियाँ छोड़ के इस उर्दू की खिदमत में कहाँ से आ गए आप? जनाब संजीव सर्राफ साहब इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। आज के मेहमान अज़ीज़ वक़ार पीरज़ादा कासिम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद जश्न पीरज़ादा कासिम साहब। ख़वातीन हज़रात आदाब, मैं जनाब परवेज़ जाफरी साहब और अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन के अरकान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस पुरबहार महफिल में शिरकत का मौका दिया। उर्दू ज़बान अदब और तहज़ीब के मरकज़ से बहुत दूर दायरे मगरब के इस शहर में आरास्ता शायरी की इस बज़्म में शरीक होना मेरे लिए एक खुशगवार तहज़ीबी तजर्बा है। ये तजर्बा है अपनी ज़बान और अपनी सकाफ़त का से उस ज़िंदा वाबस्तगी का जो अपने नए वतन में ज़िंदगी की बेपनाह मसरूफियतों के बावजूद बरकरार रखी। मिर्ज़ा गालिब के बकौल, वफ़ादारी बशर्त उस्तवारी असल ईमां है। और मेरा मानना है कि अपने तहज़ीबी मिजाज और विरासत से वफ़ादारी ही हमारे वजूद पर हमारे ईमान की बुनियाद है। परदेशों में घर बसा लेने के बाद बेशतर लोगों में अपने छूटे हुए वतन की यादें सर उठाने लगती हैं और यही यादें एक गहरी तहज़ीबी तिशनगी को बेदार करती हैं। अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन को हज़ारों मुबारकबादें कि उसकी तरफ से हर साल आरास्ता की जाने वाली शेर व अदब की महफिलें इसी तशनगी की तस्कीन का सामान करती हैं। रेख्ता फाउंडेशन में भी हमारी कोशिश कुछ ऐसी ही है। हमें यकीन है कि अमेरिका और दुनिया के तमाम तर मुल्कों के बेशुमार लोगों की तरह यहाँ जलवा फरमा बेशतर लोग भी हमारी वेबसाइट rekhta.org से न सिर्फ वाकिफ़ होंगे बल्कि इस्तफादा भी करते होंगे। अपनी ज़बान और तहज़ीब के सरचश्मों से दूर रहते हुए अपने अदबी सरमाए तक रसाई आसान नहीं होती। हमें खुशी है कि rekhta.org को अदबी ज़ौक़ और उसकी तस्कीन के दरमियाँ फ़ासले कम करने की खिदमत अंजाम देने की सआदत हासिल हुई। आज तकरीबन 2 करोड़ लोग सालाना रेख्ता वेबसाइट पर आते हैं जिनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। शायरी और अफसानों के अलावा हमारा ई बुक सेक्शन एक बहुत अहम गोशा है जिसमें 70,000 से ज़ायद किताबें फराहम हैं और ये तादाद हर माह 2,500 किताबों से बढ़ती जा रही है। आमोजिश हमारा ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से 40,000 से ज़्यादा लोग उर्दू रस्मुल ख़त सीख रहे हैं। पिछले चंद बरसों में गैर उर्दूदान लोग बहुत बड़ी तादाद में जोशो खरोश के साथ उर्दू ज़बान और शायरी की तरफ आ रहे हैं। इसी के पेश नज़र रेख्ता पर सारा मवाद उर्दू के अलावा देवनागरी और रोमन रस्मुल ख़त में भी पेश किया गया है। 2015 में जश्न रेख्ता का सिलसिला भी इसीलिए जारी किया गया कि उर्दू शायरी के नए आशिक अपने माशूक के हुस्न जमाल, रस रंग, लम्स और जायके को जीता जागता महसूस कर सकें। जश्न रेख्ता के अलावा शाम रेख्ता और रंग रेख्ता के उनवारों से जगह जगह छोटी छोटी महफिलें भी बर्पा की जाती हैं। हम हिंदुस्तान से बाहर भी कदम रख रहे हैं और अब तक दुबई और न्यूयॉर्क में प्रोग्राम कर चुके हैं। आने वाली 12 तारीख को न्यूयॉर्क में एक तकरीब होने वाली है जिसमें जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं।
इसके अलावा सूफ़ी भक्ति कलाम के लिए sufinama.org नाम की वेबसाइट भी एक साल पहले लॉन्च की गई है, और अब हिंदी लिटरेचर के लिए भी हिंदवी की नाम की वेबसाइट जल्द लॉन्च होने वाली है। हमारा मानना है कि तमाम इलाकाई ज़बानों को, जो बेशतर अंग्रेज़ी के सामने दबती जा रही हैं, रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और हमारी मज़ीद काविशें इस तरफ भी होंगी। रेख्ता और जश्न रेख्ता के ज़रिए हम दिलों को जोड़ने के पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशी है कि दुनिया भर के दोस्तों ने हमारी कोशिशों को सराहा और हमारी हौसला अफजाई की। उम्मीद है हमें आपकी मोहब्बत और रहनुमाई हमेशा इसी तरह हासिल होगी। जश्न रेख्ता का छठा एडिशन नई दिल्ली में 13 से 15 दिसंबर को होने जा रहा है, और मुझे खुशी होगी कि आप में से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें। एक बार फिर अलीगढ़ अलुमनाय एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका मुझे फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आपने सही फरमाया कि इस रेख्ता ORG पे दुनिया भर से 160 मुल्कों के लोग उसको देखते और पढ़ते हैं, मगर उसमें अमेरिका का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि हम लोग तरसते हैं यहाँ उर्दू की किताबों के लिए, और 70,000 किताबें तो कभी हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी मैसर नहीं आई थी, जो यहाँ पे बैठ के दस्तियाब हैं। और कोई भी किताब क्लासिक किसी भी दौर की जिसकी आप तलाश में हो, रेख्ता ORG पे जाएं और वो आपको वहाँ मौजूद मिल जाएगी। और मैं उनसे बात कर रहा था कि जी रेख्ता में बुज़ुर्ग आते होंगे आपके जश्न बार रेख्ता में, उन्होंने कहा 80% यंगेस्टर आ रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है उस नौजवानी में यूनिवर्सिटी के में जो वारदातें हो जाती हैं उसके लिए उर्दू शायरी से बेहतर तो कोई और दूसरा जरिया होता नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। जी जी तशरीफ़ लाए। एक चीज़ में कहना भूल गया, परवेज़ जाफरी साहब ने जिक्र किया था कि मैं कोई उर्दू पे एहसान कर रहा हूँ, ये सरासर गलत बात है। ये उर्दू का मुझ पर एहसान है कि मुझे मौका दिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं कुछ खिदमत अंजाम दे सकूं। मैं जी तो ये तो इश्क है उर्दू से हो या जिससे भी हो, अब वो इश्क की तामील में आदमी क्या क्या कर जाता है जुनून की हद तक, तो अब वो उस तक पहुंच चुके हैं इश्क से, अब उर्दू से जुनून की कैफियत में हमारे संजीव सराफ साहब आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा, वक्फ कर दी इन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी कारखाने अपने दोस्तों को और अपने असिस्टेंट्स को सौंप दिए कि तुम चलाओ, हम तो सिर्फ रेख्ता फाउंडेशन के ऊपर काम करेंगे। ये और अब मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, अपने मेहमान शायरों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और हम विद इन टाइम हैं, और आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि देखिए ये मुशायरा जो है ये इंटरएक्टिव सेशन होता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो गज़ल गायकी में होता है कि गज़ल गाई जा रही हो और आप खामोशी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हो, लेकिन मुशायरे में अगर आप अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं तो आपको शायर के साथ जुड़ना होगा। तो शायर के साथ जुड़िए, और मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ डिट्रॉइट से पहली बार हमारे मुशायरे में तशरीफ़ लाई हुई शायरा नाहिद वर्क साहिबा से। ये भी डिट्रॉइट में एक अदबी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, वर्क के नाम से उसकी सदर हैं, और दो शेरी मजमूए इनके शाया हो चुके हैं, और एक तर्किश उसकी इंग्लिश से इन्होंने तर्जुमा भी किया है, तो अब ये तर्जुमे की दुनिया में भी आ गई हैं। तो आप तशरीफ़ लाती हैं नाहिद वर्क साहिबा, आप इनके साथ जुड़ें तो ये मुशायरे की फिज़ा बनाएं ताकि हम दूसरे शायरों को मदद कर सकें।
बहुत शुक्रिया परवेज जाफरी साहब. मैं अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन और जनाब परवेज जाफरी साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने 25वें सालाना मुशायरे में मुझे शिरकत की दावत दी. ये मुशायरा इसलिए भी अहम है कि इसे डॉक्टर पीरज़ादा कासिम के नाम से मंसूख किया गया, जश्न पीरज़ादा कासिम से मंसूख किया गया है. डॉक्टर साहब उर्दू अदब का एक नहायत दरख्शां सितारा हैं. मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरी उनसियत मेरे शेरी सफ़र के आगाज़ से रही है. आपने मेरी चंद इब्तदाई गज़लों की इस्लाह भी फरमाई. मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और आपका पुरशफ़क़त साया मेहरबान अंदाज में हौसला अफज़ाई हमेशा मेरे साथ रही है. आपको बहुत मुबारकबाद इस जश्न की और आपकी इजाज़त के साथ ग़ज़ल के इशार आपकी समातों की नज़र. मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त. मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त. तेरी बातें खुदा से करती हूँ, तेरी बातें खुदा से करती हूँ, और तो रज़्ज़गा कोई नहीं दोस्त. तेरी बातें खुदा से करती हूँ, और तो रज़्ज़गा कोई नहीं दोस्त. तू मुरादों भरा जज़ीरा है, तू मुरादों भरा जज़ीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त. तू मुरादों भरा जज़ीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त. मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त. सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त, इसको झेला है जानती हूँ मैं, इसको झेला है जानती हूँ मैं, हिजर जैसा खला कोई नहीं दोस्त. हिजर जैसा खला कोई नहीं दोस्त. कोई वजीफ़ा मुझे भी बता मेरे दरवेश, कोई वजीफ़ा मुझे भी बता मेरे दरवेश, तुझे हुई है फ़कीरी अता मेरे दरवेश. तुझे हुई है फ़कीरी अता मेरे दरवेश. मैं दिल से कह रही थी बाज़ा मोहब्बत से, मैं दिल से कह रही थी बाज़ा मोहब्बत से, वो हाथ जोड़े हुए रो पड़ा मेरे दरवेश. वो हाथ जोड़े हुए रो पड़ा मेरे दरवेश. मेरी खता तो बस इतनी है इस ताल्लुक में, मेरी खता तो बस इतनी है इस ताल्लुक में, कि मैंने होनी को होने दिया मेरे दरवेश. मेरी खता तो बस इतनी है इस ताल्लुक में, कि मैंने होनी को होने दिया मेरे दरवेश. इसे मैं प्यार मोहब्बत का नाम कैसे दूँ, इसे मैं प्यार मोहब्बत का नाम कैसे दूँ, ये और तरह का है तजुर्बा मेरे दरवेश. ये और तरह का है तजुर्बा मेरे दरवेश. तेरा ही इश्क महकता है रात दिन मुझ में, तेरा ही इश्क महकता है रात दिन मुझ में, कि मुझ में तेरा ही इश्क महकता है रात दिन मुझ में, बस और कुछ नहीं मुझ में नया मेरे दरवेश. बस और कुछ नहीं मुझ में नया मेरे दरवेश. तू जिंदगी का सितारा भी इस्तियारा भी, तू जिंदगी का सितारा भी इस्तियारा भी,
मेरे लिए है तू सूरज नुमा मेरे दरवेश, मेरे लिए है तू सूरज नुमा मेरे दरवेश। मुझे तवज्जो चाहूँगी, मुझे वजूद से मौजूद से नहीं है गरज, मुझे वजूद से मौजूद से नहीं है गरज, है ला वजूद की मुझ में सदा मेरे दरवेश, है ला वजूद की मुझ में सदा मेरे दरवेश। और गज़ल के चंद शेर, पहले तो उसने खुद में किया मुब्तला मुझे, पहले तो उसने खुद में किया मुब्तला मुझे, मुझसे ही रफ्ता रफ्ता किया फिर जुदा मुझे, पहले तो उसने खुद में किया मुब्तला मुझे, मुझसे ही रफ्ता रफ्ता किया फिर जुदा मुझे। आँखों में रख रखाओ तो पहले सा था मगर, आँखों में रख रखाओ तो पहले सा था मगर, लहजे की सिलवटों से लगा दूसरा मुझे। बहुत शुक्रिया। आँखों में रख रखाओ तो पहले सा था मगर, लहजे की सिलवटों से लगा दूसरा मुझे। जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे। जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे। जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे। ये मेरे इश्क का दायरा साहिबा, ये मेरे इश्क का दायरा साहिबा, है तेरे गिर्द ही घूमता साहिबा, ये मेरे इश्क का दायरा साहिबा, है तेरे गिर्द ही घूमता साहिबा। रूह तो बाद में मुझ में डाली गई, रूह तो बाद में मुझ में डाली गई, पहले तू मुझ में फूंका गया साहिबा। रूह तो रूह तो बाद में मुझ में डाली गई, पहले तू मुझ में फूंका गया साहिबा। मेरी आँखें तेरी दीद की लालची, मेरी आँखें तेरी दीद की लालची, यानी तू मुझको यूसुफ नुमा साहिबा, यानी तू मुझको यूसुफ नुमा साहिबा। तेरी आवाज़ से यूं हरी हो गई, तेरी आवाज़ से यूं हरी हो गई, जैसे मुझ में हो सूरज उगा साहिबा, जैसे मुझ में हो सूरज उगा साहिबा। गर ये सच है कि मेरी है कुल कायनात, गर ये सच है कि मेरी है कुल कायनात, फिर तो सच है कि तू भी मेरा साहिबा, फिर तो सच है कि तू भी मेरा साहिबा। एक और गज़ल के शेर, कोई कहता था कि तारी खुद पे सोचें मत किया कर, कोई कहता था कि तारी खुद पे सोचें मत किया कर, जो तेरा है वो मिलेगा इतनी फिक्रें मत किया कर, जो तेरा है वो मिलेगा इतनी फिक्रें मत किया कर। ये किसी के नाम की तरतीब से बुक शेल्फ में है, ये किसी के नाम की तरतीब से बुक शेल्फ में है, एक जगह से दूसरी मेरी किताबें मत किया कर,
एक जगह से दूसरी मेरी किताबें मत किया कर, बाग में जाकर परिंदों से कुछ अपने दिल की कह ले, बाग में जाकर परिंदों से कुछ अपने दिल की कह ले, बंद रहकर कमरे में बेकार शामें मत किया कर, बाग में जाकर परिंदों से कुछ अपने दिल की कह ले, बंद रहकर कमरे में बेकार शामें मत किया कर। तवज्जो तलब शेर है, जिंदा हो जाते हैं सारे लफ्ज जो हम सोचते हैं, जिंदा हो जाते हैं सारे लफ्ज जो हम सोचते हैं, इसलिए मुझसे बिछड़ने वाली बातें मत किया कर, इसलिए मुझसे बिछड़ने वाली बातें मत किया कर। तूने तन्हाई कभी देखी है, खालीपन सुना है, तूने तन्हाई कभी देखी है, खालीपन सुना है, गर नहीं तो मेरे मिलने की दुआएं मत किया कर, गर नहीं तो मेरे मिलने की दुआएं मत किया कर। और एक और गज़ल, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थी नाहिद बर्क साहिबा, नई गज़लें और नए लबो लहजे के साथ उन्होंने आपके सामने पेश की, और आपने थोड़ी बहुत दाद से नवाजा, कुछ और ज़्यादा बढ़ाइए अपना सिलसिला ताकि मुशायरा आगे चल सके। मैं वाशिंगटन से तशरीफ़ लाई हुई शायरा मोना शहाब साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ, वो पहले भी ह्यूस्टन आती रही हैं और आप लोग उनसे और उनके कलाम से वाकिफ़ हैं। मोहतरमा मोना शहाब साहिबा, तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जाफरी साहब, अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन को जश्न पीरज़ादा कासिम मुबारक हो, और एले ह्यूस्टन को भी यह ख़ूबसूरत जश्न मुबारक हो। अल्लाह ताला उम्र दराज करे, डॉक्टर साहब की वो ऐसे ही तशरीफ़ लाते रहें और हम सब इस्तेफादा करते रहें उनसे। मैं वो परवाज करना चाहती हूँ, मैं वो परवाज करना चाहती हूँ, धनक पे पाँव धरना चाहती हूँ, मैं वो परवाज करना चाहती हूँ, धनक पे पाँव धरना चाहती हूँ, ज़मीं पे दिल मेरा लगता नहीं है, ज़मीं पे दिल मेरा लगता नहीं है, फ़ज़ाओं में बिखरना चाहती हूँ, ज़मीं पे दिल मेरा लगता नहीं है, फ़ज़ाओं में बिखरना चाहती हूँ, किसी की राह का कांटा नहीं हूँ, किसी की राह का कांटा नहीं हूँ, मैं खुशबू हूँ बिखरना चाहती हूँ, किसी की राह का कांटा नहीं हूँ, मैं खुशबू हूँ बिखरना चाहती हूँ। और आया है कौन, क्यों ये फिजा खुशगवार है, आया है कौन, क्यों ये फिजा खुशगवार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, डॉक्टर साहब के नाम है शेर। आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है, शबनम ने फरत शौक में मोती लुटाए हैं, शबनम ने फरत शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामे बहार है, शबनम ने फरत शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामे बहार है, और मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में,
दरिया के पार किसको मेरा इंतज़ार है, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतज़ार है, और घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायदार है, घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायदार है, और ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, मेरा रीस की नज़र है ये शेर कि ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, तख्ते सुखन पे आज वही ताजदार है, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, तख्ते सुखन पे आज वही ताजदार है, और ताज़ा गज़ल कही है ज़मीं में अनीस की, ताज़ा गज़ल कही है ज़मीं में अनीस की, लहजे में मेरे आज गज़ब का निखार है, ताज़ा गज़ल कही है ज़मीं में अनीस की, लहजे में मेरे आज गज़ब का निखार है, और मूना यकीन की नहीं ईमा की बात है, मूना यकीन की नहीं ईमा की बात है, आले रसूल पे तो मेरी जानिसार है, आया है कौन क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है, और कहते हैं लोग कुछ तेरा लहजा बदल गया, कहते हैं लोग कुछ तेरा लहजा बदल गया, मुझको तो यूँ लगा तेरा चेहरा बदल गया, कहते हैं लोग कुछ तेरा लहजा बदल गया, मुझको तो यूँ लगा तेरा चेहरा बदल गया, समझी थी मैं कि ये है कहानी की इब्तिदा, समझी थी मैं कि ये है कहानी की इब्तिदा, पर्दा उठा तो देखा तमाशा बदल गया, समझी थी मैं कि ये है कहानी की इब्तिदा, पर्दा उठा तो देखा तमाशा बदल गया, और सोचा था आजमाऊं कभी उसको प्यार में, सोचा था आजमाऊं कभी उसको प्यार में, फिर क्यों ना जाने मेरा इरादा बदल गया, सोचा था आजमाऊं कभी उसको प्यार में, फिर क्यों ना जाने मेरा इरादा बदल गया, और पहले घरों के बीच फसीले अना खिंची, पहले घरों के बीच फसीले अना खिंची, फिर देखते ही देखते नक्शा बदल गया, पहले घरों के बीच फसीले अना खिंची, फिर देखते ही देखते नक्शा बदल गया, कहते हैं लोग कुछ तेरा लहजा बदल गया, मुझको तो यूँ लगा तेरा चेहरा बदल गया, और वफा की राह में इतना नाजमाना मुझे, वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे, कि बेवफा ही समझने लगे ज़माना मुझे, वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे, कि बेवफा ही समझने लगे ज़माना मुझे, सफ़र में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे, सफ़र में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे, कहीं मिला ना कोई ढंग का ठिकाना मुझे, सफ़र में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे, कहीं मिला ना कोई ढंग का ठिकाना मुझे, और मेरा नसीब है ऐसा था बाबे हिजरत में, मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में, कि रास आया कहीं का ना बुदाना मुझे, मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में, कि रास आया कहीं का ना आबुदाना मुझे, और फ़िज़ा में जब भी परिंदों का कौल देखा है, फ़िज़ा में जब भी परिंदों का कौल देखा है, तो याद आया है बिछड़ा हुआ घराना मुझे, फ़िज़ा में जब भी परिंदों का कौल देखा है, तो याद आया है बिछड़ा हुआ घराना मुझे, और मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत,
पर क्या करूं कि मिला है यही ज़माना मुझे। मुझे पसंद था नौशेरवा का अहद बहुत, मुझे पसंद था नौशेरवा का अहद बहुत, पर क्या करूं कि मिला है यही ज़माना मुझे। वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे, कि बेवफा ही समझने लगे ज़माना मुझे। अभी सुनवाते हैं साहब, ऐसा तरन्नुम सुनवाएंगे कि घर तक याद रहेगा आपको। मैं दरख्वास्त करूंगा बम्बई से आए हुए अपने शायर, जिनको आप सब पहले भी जब वो आए थे तो आप सब सुन चुके थे, और आप लोग भी थोड़ा सा जाग जाएं और जाग के और हमारे साथ जुड़ के ये शायरी सुने, हमारे जिसको मैं कहता हूँ कि जवान दिलों की आवाज़, बम्बई के हमारे बॉलीवुड के मशहूर नगमा निगार जनाब AM तराज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और जनाबे वाला ऐसा तरन्नुम सुनाएंगे आपको कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आइए। सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से जनाब परवेज जाफरी साहब का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर आपसे रूबरू कराया। और दोस्तों, जनाब सब से ज़्यादा चाहते हुए, ये मुशायरा कोई आम मुशायरा नहीं है, ये मुशायरा आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत अहम इसलिए है कि जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब का जश्न है ये मुशायरा। और मैं, आप यकीन माने कि ये लम्हा मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र का लम्हा है, क्योंकि मैं भी उर्दू का सिर्फ़ और सिर्फ तालिबे इल्म हूँ। यूँ कह लीजिए कि मैं 2002 से सर को यूट्यूब पे देख देख कर बड़ा हुआ हूँ, और मुझे 17 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने में, और सोचिए मुझे आज वो मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी इस खुशी में शरीक हों और जाग जाएँ। खुदा के वास्ते अब तक ये मुशायरा मुशायरा नहीं लग रहा है। आप सब खुदा को मानने वाले लोग हैं, खुदा को माने और इस मुशायरों को मुशायरा बनाएं। इस तरफ के लोग बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा मुशायरा ह्यूस्टन में पहले नहीं पढ़ा, एक ही मुशायरा पढ़ा है। मैं चाहता हूँ फिर आगे भी पढ़ूँ जी। खैर, बग़ैर किसी तमहीद के एक मतला और एक शेर के यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। वाक़िया ये है कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रख। देखिए, मेरी ज़िंदगी में ये आज वो अच्छा काम है जिसके लिए मैंने शेर कहा कि इसमें सर के जश्न में जो है वो शामिल हो पाया। ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बाप आ गए हैं अपने रंग में, यहाँ से हम मुशायरे को मुशायरा बनाते हैं। दोस्तों, अभी आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है जनाबे मंजर भोपाली साहब, जनाबे सरफराज साहब और जनाबे पीरज़ादा कासिम साहब। सोचिए ये शायरी कहाँ तक जाएगी। यहाँ से एक माहौल बनाएं, और मैं चाहता हूँ ये सेहरा जो है वो मेरे सर बंधे कि माहौल यहाँ से बन के चला जी। देखिए, एक मतला और दो तीन शेर तरन्नुम से पहले मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि ये गज़ल बहुत अहम गज़ल मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। बहुत शुक्रिया। भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। और शेर देखें कि अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने कहाँ जाते। बहुत शुक्रिया। और अब वो शेर जिसके लिए मैं ये गज़ल सुना रहा हूँ आपको कि अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। ये शेर देखें कि मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो,
मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहां जाते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहां जाते। और फिर एक शेर के, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, न जो मैं आईना बनता तो शर्माने कहां जाते। बहुत शुक्रिया। न जो मैं आईना बनता तो शर्माने कहां जाते। और ये शेर खास तौर से आपके लिए कि मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, ना होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहां जाते। मैं इस शेर में आपको एक दौर में लेके गया था, आप बिल्कुल जुड़े नहीं। खैर मुझे इंशाल्लाह आप आगे जुड़ेंगे, अभी तो बात शुरू हुई है। अब एक गज़ल का मतला और कुछ शेर में तरन्नुम से आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं एक शेर के थ्रू के मैं तरन्नुम से क्यों पढ़ता हूं। जी तो गज़ल के पहले वो शेर के मैं तरन्नुम से क्यों पढ़ता हूँ, देखिए वाकया ये है कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में कर रहे हैं, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में कर रहे हैं, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में कर रहे हैं। यहां से मेरे साथ जुड़े कि हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में कर रहे हैं। गजल का मतलब है कि बहुत शुक्रिया। हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। और मतलब आसानी देखें कि तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। और साहब ये शेर सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़र के, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है फिर पढ़िए, इसका मतलब ये है कि ये शेर अच्छा था, आप इस पर यकीन कर लें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है, हर एक सफ़े पे। और शेर देखें, इसमें एक वाकया बांधने की कोशिश की है मैंने, अगर आप वहां तक पहुंचे के, तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, हमारी आँख से अब तक नमी निकलती है, हमारी आँख से अब तक नमी निकलती है। और
और फिर शेर देखें, नए जावे से शेर कहने की कोशिश की है कि हर एक सफे पे, शेर देखें कि वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है तेरे बगैर। और अब वो शेर जिस शेर के लिए मैंने गजल कही है, जैसा कि आप सब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान और दिगर मुल्कों से छोटी छोटी जगहों से आके यहाँ आज मुकीम हैं, मैं भी एक छोटे से गांव हिंदुस्तान के यूपी मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करके यहाँ आया, तो मैंने वो दुनिया देखी है छोटी सी और आपने भी वो देखी है, तो मैंने भी कुछ वो बात कहने की कोशिश की है, अगर आप तक वो पहुँचे तो मैं आपका रद्दअमल चाहूँगा कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है, हमारे गांव में अब भी परी। भाई आप लोग क्या भूत देख के आए हैं, परी देखी नहीं कभी, तो खुदा के वास्ते उसका सबूत दें। हर एक शय में कब कहीं कुछ कमी निकलती है। देखिए आप अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो यकीन करें कि नुकसान मेरे साथ साथ आपका भी होगा जी। हरे, मैं शेर दोबारा पढ़ दूं क्या? वाह वाह, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। और मख्ता हाजिर है, उसके बाद अगर चाहेंगे तो मैं जी मख्ता हाजिर है कि तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। अरे भाई, अरे अरे भाई, ऐसा नहीं है, बहुत आप बच के ना निकले यहाँ से। चलो जी जी, हाँ जी, इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अभी तो मैं हिंदुस्तान से बहुत सारा सामान लेके बड़ी तैयारी करके आया हूँ, वो भी पढ़ूंगा। और ये मुशायरा, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये आप याद रखें कि ये मुशायरा जो है वो अहम मुशायरा है, ये मामूली मुशायरा नहीं है। जी कौन सा वाला? मख्ता जी, पढ़ देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। और अब वो गजल जो मैं फरमाइश के बाद पढ़ता हूँ, आपने फरमाइश की है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए तरन्नुम से पढ़ने से पहले गजल के दो तीन शेर पढ़ूंगा ताकि उस गजल तक आप पहुंच जाएं। एक गजल का मतलब है कि ठहरा हुआ ख्याल हूं आजाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूं आजाद कर मुझे,
मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखें कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे, मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे। जितना अच्छा आप सुनेंगे कसम खुदा की उतना अच्छा सुना हुआ जी। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे। और शेर वाकया ये है कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। और शेर देखें कि एक एक वाक्य को मैंने उल्टा करने की कोशिश की, अगर आप तक पहुंचे, अगर आप उसे सीधा समझें तो, कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। और शेर देखें कि एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे, तुझको मैं कैद कर लूं तू। बहुत अच्छा शेर था, या तीन दिन के बाद समझिए चलेगा। एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे। और वाकया ये है कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमी में गाड़ या आबाद कर मुझे। बहुत शुक्रिया। एक बार परवेज जाफरी साहब के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। पढ़ देता हूं कि अच्छा सर, वैसे मैं देखने से ज्यादा सुनने की चीज हूं जी। शेर देखिए कि कब तक लिए फिरूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे। और मख्ता हाजिर है कि तन्हा ना लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, तन्हा ना लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्से तुराज में फरहाद कर मुझे, इस किस्से तुराज में फरहाद कर मुझे। अरे वो गजल जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाए हैं, ये गज़ल आप अगर संजीदगी के साथ भी सुनेंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बट लेकिन इसको आप जश्न की तरह सुनें क्योंकि ये जश्न है। मतलब हाजिर है कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, लेकिन मेरी गजल पढ़े जा रहे हो तुम। जी मैं पढ़ देता हूं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, मैंने सुना है लौट
के घर आ रहे हो तुम। मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। और अब शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है, इंशाल्लाह एक भी इंसान यहाँ चुप नहीं बैठेगा। गजल का शेर है कि कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया मगर, मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया मगर, आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मंजर भाई, मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया मगर, आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और मक्ता हाजिर है कि बाहर अगर न आई। देखिए मक्ते से पहले मैं ये बता दूं कि मैं शायरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैं मोहब्बत का पैगाम आम कर सकूं, वरना मैं फिल्मों में गाने वाने भी वहाँ लिख रहा हूं। और आप यकीन माने कि मैं वो अपना काम इधर उधर करके मैं मुशायरों में इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने जो भी मुझे शायरी दी है, फ़िक्र दी है एक, और मुझे एक मौका मिला है कि मैं उर्दू की कुछ थोड़ी बहुत खिदमत कर सकूं, तो आप उसमें, आप सब उसमें ताउन करते हैं, साथ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप सबकी मोहब्बत। गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। मक्ता देखें कि बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुराज, बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुराज, सीने में ऐसी आग को दफना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, एक हुक्म भी है एक गज़ल का, उसके पहले दो तीन शेर गज़ल के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक और गज़ल जो मैं बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल नई गज़लें पढ़ रहा हूँ, जो पहले पढ़ी थी वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। एक गज़ल का मतलब और दो तीन शेर मैं आप तक और पहुँचा रहा हूँ कि उसके पहले एक तहत में दो तीन शेर के किसी के, बहुत नाजुक शेर, अगर आप खुदा करें उस शेर तक पहुँच जाएँ कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आँखें, किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आँखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आँखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आँखें। और शेर देखें कि जो उस, जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे, जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आँखें, कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आँखें। और वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आँखें, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आँखें। और जिस शेर के लिए गजल कही है वो शेर आप के, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आँखें। बहुत शुक्रिया। तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आँखें। और एक गजल का मतला और दो तीन शेर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। एक गजल का मतला और दो तीन शेर मैं और पढ़ के अपनी जगह लूँगा और आपका वो शेर मैं पढ़ दूँगा।
जी के गजल का मतलब है कि गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम। ओ शेर ये देखें कि ये कल जाब्ते गम से कहा आंसुओं ने, ये कल जाब्ते गम से कहा आंसुओं ने, समेटा जो हमको बिखर जाएंगे हम, समेटा जो हमको बिखर जाएंगे हम। और फिर शेर देखें कि समेटा, आप सब अपना वतन, अपना घर, अपने रिश्तेदार और घर वाले छोड़ के आए हैं। मैं भी 17 साल पहले आया था और फिर इधर उधर ही हूँ। उस हवाले से एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है कि गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, तलब में उजालों की घर फूंक आए, तलब में उजालों की घर फूंक आए, जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम, जो वापस गए। तलब में उजालों की घर फूंक आए, जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे। और बिल्कुल सादा शेर है कि खुशी हम से रूठे तो परवाह नहीं है, खुशी हम से रूठे तो परवाह नहीं है, जो गम हम से रूठा तो मर जाएंगे हम, जो गम हम से रूठा तो मर जाएंगे हम। और एक शेर खास के मुसलसल तबासुम से है लब पे खुश की, मुसलसल तबासुम से है लब पे खुश की, जरा देर रोकर संवर जाएंगे हम, जरा देर रोकर संवर जाएंगे हम। ये आवारगी ने कहारत जगों से, ये आवारगी ने कहारत जगों से, बहुत थक चुके हैं के घर जाएंगे हम, बहुत थक चुके। और मक्ता हाजिर है दोस्तों के तुराज उनसे कह दो सफर आखिरी है, तुराज उनसे कह दो सफर आखिरी है, जरा देर ठहरो गुजर जाएंगे। तुराजुम से कहें दो सफ मंजर भाई, तुराजुम से कहें दो सफर आखिरी है, जरा देर ठहरो गुजर जाएंगे हम, गली क्या। एक गजल का एक मतलब और शेर उनका हुक्म है, मैं वो सुना के अभी जगा लूंगा। मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी वो गजल के, अजीब शख्स है
शिकुओं पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकुओं पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर देखें कि मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। ओ वो ये शेर के कजा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कजा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, तुम्हारा जिक्र कजा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। और आखिरी शेर के अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, मेरी शायरी समझ में आ रहा होगा आपको, अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। और मक्ता हाजिर उसके बाद जहमत तमाम के तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। ये है अहमद तराज, बॉलीवुड के शायरों की नई नस्ल। आजकल ये संजय भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह पे काम कर रहे हैं जिसमें सलमान खान और आलिया भट्ट अब गंगूबाई के ऊपर कर रहे हैं, और मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, मैंने इनको कॉल किया कि भाई उलझ तो नहीं जाओगे फिल्म में यहाँ। इनने कहा परवेज भाई फिक्र नहीं करें, फिल्म छूट जाए तो छूट जाए, मुशायरा नहीं छोड़ूंगा। मैंने नोटिस दे दिया है अपने प्रोड्यूसर्स को कि एक महीने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ छुट्टी मेरी, और ये दरमियान में हमारे मौजूद हैं इस बॉलीवुड में हमारे उर्दू के बड़े अहम शुरा उससे जुड़े रहे हैं, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर, और आज की उनमें से दो लोगों की, कैफी साहब और मजरूह साहब की 7 साल तकरीबात इस साल मनाई जा रही हैं 2019 में। तो मैं अब थोड़ा सा इस माहौल को तब्दील कर रहा हूँ। हमारे दरमियान इस्लामाबाद से आए हुए
तंजो मिजाह के बहुत सीनियर शायर, जिनको मुझे हमारे अमेरिका के सबसे अच्छे तंजो मिजाह के शायर खालिद इरफान ने मुझसे कहा कि परवेज़ भाई, तंजो मिजाह के सबसे अच्छा शायर जो इस वक्त है पाकिस्तान में वो सरफराज शाहिद साहब हैं, आप उन्हें मधु करें। मैंने इनको मधु किया है, आज हमारे दरमियान ये मौजूद हैं, इनका इस्तकबाल करें और उसके बाद फिर हम गज़ल की दुनिया में वापस लौटेंगे। जनाब मंजर भोपाली तशरीफ़ फरमा है और प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम साहब तशरीफ़ फरमा है, और इन दोनों की मौजूदगी अगर किसी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी बड़े मुशायरे में हो तो उसको बड़ा मुशायरा कहा जाता है। तो ये आज चेक लिखने वाले हैं कोई आप? अच्छा अच्छा, लिख के रखिए आप, मैं अभी भेजता हूँ लोगों को कलेक्ट करने के लिए। जनाबे सरफराज शाहिद साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज लें। सदर महफिल, ख्वातीन और हजरात, अशार सुनाने से पहले मैं एक बार दिल की गहराइयों से परवेज़ जाफरी साहब और उनके रफ़क़ाए कार का, डॉक्टर कासम पीरज़ादा के जश्न के सिलसिले में मुझे इन्होंने मदऊ किया और यहाँ इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार, इतनी जानदार, इतनी बावकार और इतनी बागो बहार महफिल में मुझे शामिल होने के लिए दावत थी। तो ये शेर कहने से पहले मैंने थोड़ी सी गुजारिश करनी थी, अब आपको शेर भी सुनाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ ज़िक्र हुआ सीनियर सिटीज़न का, तो सीनियर सिटीज़न के हवाले से कता मुलाजा हो कि जवानी में कभी सोचा न था हमने बुढ़ापे का, जवानी में कभी सोचा न था हमने बुढ़ापे का, मगर अब अहदे पीरी में जवानी याद आती है, मगर अब अहदे पीरी में जवानी याद आती है, और जवानी में कहाँ हम याद करते थे बुजुर्गों को, मगर अब बन चुके दादा तो नानी याद आती है। और जी, और ये कथा सामने आ गया डाइटिंग के हवाले से, अर्ज किया कि 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर, 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर, और तंग उसका कोई लिबादा नहीं हुआ, हैरत है आशिकों के कलेजे चबा के भी उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। और जी शुक्रिया। और इसी मौजू पे चार मिसरे और सुनिए कि आह भरती हुई आई हो स्लिमिंग सेंटर, आह भरती हुई आई हो स्लिमिंग सेंटर, आह को चाहिए एक उम्र असर, आह भरती हुई आई हो स्लिमिंग सेंटर, आह को चाहिए
एक उम्र असर होने तक, और डाइटिंग खेल नहीं चंद दिनों का बेगम, एक सदी चाहिए कमरे को कवर रहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी सिलसिले में कथा मुलाजा हो कि औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत, औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत, जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए। कम सिन लगे, जवान लगे या अधेड़ उम्र, बस उम्र पर न जाइए कुर्बान जाइए। जी शुक्रिया। और बोलेगी झूठ कैसे अब के वो बर्थडे पर, बोलेगी झूठ कैसे अब के वो बर्थडे पर, मुश्किल ये आ पड़ी है औरत की जिंदगी में, जो 20वीं सदी में थी 20 की मुसलसल 21 की तो होगी 21वीं सदी। बहुत शुक्रिया। जी और जी शुक्रिया। कथा मुलाजा हो कि असल में ये इलेक्शन से रिलेटेड है। पिछले बरस जब हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ तो उससे पहले एक निगरान हुकूमत कायम की गई थी जो बड़ी सख्त गिर किस्म की थी। बहरहाल मैंने उस पर एक कथा कहा था जो यकीनन आपके लिए नया होगा। निगरान हुकूमत जी, बड़ी अच्छी है ये निगरान हुकूमत, मगर मुझको परेशानी बहुत है। वाह, बहुत अच्छी है ये निगरान हुकूमत, मगर मुझको परेशानी बहुत है कि मैं शादी शुदा हूँ और घर में मेरी पहले ही निगरानी। वाह, बहुत शुक्रिया। और उसने उल्टा नकाब 10%, उसने उल्टा नकाब 10%, और हम हुए कामयाब 10%, और 90% चश्मे साकी में, 90% चश्मे साकी में, और जाम में है शराब 10%, 90% चश्मे साकी में, जाम में है शराब 10%, और नामा भर को पड़े हैं 10 जूते, खत का लाया जवाब 10%, नामा भर को पड़े हैं 10 जूते, खत का लाया जवाब 10%, और शेर देखिए कि आश के सोख्ता की ये हालत, आश के सोख्ता की ये हालत कि सीख पर है कबाब 10%, आशिक सोख्ता की ये हालत कि सीख पर है कबाब 10%, और वो सितमगर करीब कब आई रह गया जब शबाब 10%, वो सितम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया के
वो सितमगर करीब कब आई, रह गया जब शबाब 10%। और देखिए ये दो चार आपको छोटी छोटी नज़में सुनाता हूँ, बहुत ही मुख्तसर नज़में। के पहली नज़्म है ठरकी मरीज, डॉक्टर यहाँ मौजूद जी, डॉक्टर इसीलिए ठरकी मरीज जी, ठरकी मरीज जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुद्दत से है वार्ड में दाखिल, मुद्दत से है वार्ड में दाखिल, खर्चे वर्चे से नहीं डरता, ठीक भी हो जाए तो उसका बीमारी से दिल नहीं भरता। और देख के नर्सें हूरों जैसी, घर जाने को जी नहीं कर। और हर कमारे को अपनी शादी के आफ्टर शॉक्स है इसका उन्वान, हर कमारे को अपनी शादी के ख्वाब कितने सुहाने लगते हैं, और शादी के बाद फौरन ही मसले सर उठाने लगते हैं, जैसे एक जलजले के फौरन बाद आफ्टर शॉक्स आने लगते हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, हर कवारे को अपनी शादी के ख्वाब कितने सुहाने लगते हैं, और शादी के बाद फौरन ही मसले सर उठाने लगते हैं, जैसे एक जलजले के फौरन बाद आफ्टर शॉक्स आने लगते हैं। और इस नज़्म का उन्वान है डी एन ए। आप माशाल्लाह सब समझते हैं मानी इसके। अर्ज किया कि हमसे कल कह गया मज़े की बात, हमसे कल कह गया मज़े की बात, माहिरे इल्मे साई कालो जी। क्या कहा उसने, हमसे कल कह गया मज़े की बात, माहिरे इल्मे साई कालो जी, के बाप पर हो जो शक्ल नौ मौलूद, साहेबो ये तो है बयालो जी, और अगर नक्श मुख्तलिफ सा हो इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। और देखिए दो उदास और गमगीन शौहर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, दो उदास और गमगीन शौहर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक ने यूं कहा मेरी बीवी, एक ने यूं कहा मेरी बीवी, गुजरे शौहर का जिक्र करती है, दूसरे ने कहा कि शुक्र करो पिछले शौहर का जिक्र करती है, मेरी बीवी तो घर में रोज आना अगले शौहर का जिक्र जी 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 मैं अर्ज करता हूँ। कह गया हमसे एक मज़े की बात, माहिरे इल्म साई कालो जी,
के बाप पर हो जो शक्ल नौ मौलूद, साहेबो ये तो है बयालो जी, और अगर नक्श मुख्तलिफ सा हो इसको कहते हैं सोशियालो जी। और आपको गजल के चंद शेर जनाब, अर्ज किया कि गजल के शेर सुनिए कि करप्शन के अंधेरों में कमी होने नहीं देते, करप्शन के अंधेरों में कमी होने नहीं देते, ये कैसे बल्ब हैं जो रोशनी होने नहीं देते, करप्शन के अंधेरों में कमी होने नहीं देते, ये कैसे बल्ब हैं जो रोशनी होने नहीं देते। और मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो सब एक हो जाएं, मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो सब एक हो जाएं, मगर इनको इकट्ठा मौलवी होने नहीं। बहुत मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुसलमानों की ख्वाहिश है कि ये सब एक हो जाएं, मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो सब एक हो जाएं, मगर इनको इकट्ठा मौलवी होने नहीं देते। और शेर सुनिए कि है नीचे खुरदरी पतलून ऊपर शर्ट मर्दाना, है नीचे खुरदरी पतलून ऊपर शर्ट मर्दाना, ये कपड़े रेशमा को रेशमी होने नहीं दे, है नीचे शुक्रिया जनाब, है नीचे खुरदरी पतलून ऊपर शर्ट मर्दाना, ये कपड़े रेशमा को रेशमी होने नहीं देते। और शेर मुलादा हो कि मशीनों से बना लेते हैं हम क्या क्या सुपर इंसान, आईटी से ये सुपरमैन बैट्समैन और फलाना फलाना, तो मशीनों से बना लेते हैं हम क्या क्या सुपर इंसान, मगर हम आदमी को आदमी होने नहीं देते। मशीनों से बना लेते हैं हम क्या क्या सुपर इंसान, मगर हम आदमी को आदमी होने नहीं देते। और ये एक शेर आ गया फैमिली प्लानिंग के हवाले से, मगर हम आदमी को आदमी होने नहीं देते, और बना रखा है बच्चे की वलादत मसला हमने, बना रखा है बच्चे की वलादत मसला हमने, कभी होने पे खुश हैं और कभी होने नहीं देते, बना रखा है बच्चे की वलादत मसला हमने, कभी होने पे खुश हैं और कभी होने नहीं देते। और गज़ल में आज भी शाहिद ज़राफ़त हमसे कायम है, वाह
गजल में आज भी शाहिद ज़राफ़त हमसे कायम है, हम इस सिन्फ़े सुखन को फुसफुसी होने नहीं देते। मैंने शुक्रिया महसूस किया है कि सामईन गज़ल को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैं एक आध गज़ल आपको और सुना जी। मैं वो जब से ऐनक लगी जी जी जी, मैं फरमाइश वाली गज़ल के पहले चांद अशार सुना देता हूँ। अर्ज की है कि जब से ऐनक लगी नज़र वाली, जब से ऐनक लगी नज़र वाली, जहर लगने लगी है घर वाली। जब से ऐनक लगी नज़र वाली, जब से ऐनक लगी नज़र वाली, जहर लगने लगी है घर वाली। और जिसके चक्कर में है पिसर मेरा, जिसके चक्कर में है पिसर मेरा, वो पड़ोसन है खुद पिसर वाली। जिसके चक्कर वो पड़ोसन है खुद पिसर वाली, और इश्क बाजी है खेल पैसे का, इश्क बाजी है खेल पैसे का, इश्क बाजी है खेल डॉलर का, और अपनी आदत है मुफ्त भर वाली। और अब सारी गज़ल मुझे याद नहीं, मैं आपको दूसरी गज़ल सुनाता हूँ। आशमी साहब गज़ल ताज़ा। अर्ज किया कि कोठी पराडो इज्जत ओ शोहरत खरीद ली, कोठी पराडो इज्जत ओ शोहरत खरीद ली, और रिश्वत दबा के ली तो शराफत खरीद ली। कोठी पराडो इज्जत ओ शोहरत खरीद ली, रिश्वत दबा के ली तो शराफत खरीद ली, और छः सात जामियात की बनवा के डिग्रियाँ, छः सात जामियात की बनवा के डिग्रियाँ, दौलत से हमने इल्म की दौलत खरीद ली। छः सात जामियात की बनवा के डिग्रियाँ, दौलत से हमने इल्म की दौलत खरीद ली, और थी शहर में जो एक हसीनों की एनजीओ, थी शहर में जो एक हसीनों की एनजीओ, हमने उस एनजीओ की नजामत खरीद ली। जी शुक्रिया, थी शुक्रिया, शुक्रिया। थी शहर में जो एक हसीनों की एनजीओ, हमने उस एनजीओ की नजामत खरीद ली, और हज कर लिया सिफारिशो रिश्वत के जोर पर, हज कर लिया सिफारिश और रिश्वत के जोर पर, और यूं गुनाहगार ने जन्नत खरीद ली। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत। हज कर लिया सिफारिशो
रिश्वत के जोर पर और यूं गुनाहगार ने जन्नत खरीद ली। और शेर मुलाजा हो कि कैसे मज़े से शेख ने की चार शादियाँ, कैसे मज़े से शेख ने की चार शादियाँ, हमने तो एक करके मुसीबत खरीद ली। कैसे मज़े से शेख ने की चार शादियाँ, हमने तो एक करके मुसीबत खरीद ली। जी कोठी पराडो इज्जत हो शोहरत खरीद ली, और रिश्वत दबा के ली तो शराफत खरीद ली। और तो एक गज़ल के चंद अशआर पेश खिदमत हैं। अर्ज किया कि सेंट की, कजले की और गाजे की गुलकारी के बाद, सेंट की, कजले की और गाजे की गुलकारी के बाद वो हसीन लगती है लेकिन कितनी तैयारी के बाद, और मुद्दतों के बाद उसको देख कर ऐसा लगा, मुद्दतों के बाद उसको देख कर ऐसा लगा जैसे रोज़ादार की हालत हो इफ्तारी के बाद। और हीरोइन 55 बरस की हो चुकी तो गम नहीं, हीरोइन 55 बरस की हो चुकी तो गम नहीं, अब गुलूकारी करेंगी वो अदाकारी के बाद। और शेर देखिए कि कौम को बेदार कर डिस्को म्यूज़िक छेड़ कर, कौम को बेदार कर डिस्को म्यूज़िक छेड़ कर, जो बिचारी सो चुकी है राग दरबारी के बाद। और अक़्दे सानी का मज़ा पूछा तो बोले शेख जी, अक़्दे सानी का मज़ा पूछा तो बोले शेख जी, ऐसे लगता है चिकन चखा है तरकारी के बाद। अक़्दे सानी का मज़ा पूछा तो बोले शेख जी, ऐसे लगता है चिकन चखा है तरकारी के बाद। और कुछ आगे याद नहीं रहा, मैं आपको एक आखिरी आखिर में ये चार मिसरे पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ किया कि ऐसे लगे है नौकरी माले हराम के बग़ैर, ऐसे लगे है नौकरी माले हराम के बग़ैर, जैसे हो दाग की गज़ल वादा जाम के बग़ैर। और बीवी की एक चुप से है घर की फ़ज़ा बुझी बुझी, जैसे कोई मुशायरा मेरे कलाम के बग़ैर। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज शाहिद साहब, आपने नज़में कतात और गज़लें सुनी और एक दूसरी फ़िज़ा कायम हो गई। और अब मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ जिस शायर को आप लोग देर से उसके मुंतज़िर हैं, और मैं समझता नहीं कि मुझे किसी तारुफ की ज़रूरत है। चार दहाइयों से तो मैं सुन रहा हूँ उनको, और इसी तरह और खुसूसन अपने आसपास बिखरे हुए अहम मसाइल के उनके गज़ल में वो सुलगते हुए मसाइल नज़र आते हैं जिनको वो गज़ल में बांधते हैं, और तरन्नुम उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। आप कह रहे थे तरन्नुम, मैंने कहा आपको अभी तरन्नुम खूब सुनवाते हैं, तो आयम तराज का आपने तरन्नुम सुन लिया। अब तशरीफ लाते हैं जनाबे मंजर भोपाल। साहिब जश्न और मुशायरे के सदर जनाब पीरजादा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक अरसे मेरे ख़्याल से 20 साल पहले दुबई में भी मोहतरम जनाब पीरजादा साहब का जश्न मुनक़िद किया गया था, वो सलीम जाफरी साहब ने किया था, और ये जश्न परवेज़ जाफरी साहब कर रहे हैं, यानी दो जाफरियों ने इनका जश्न किया है, और दोनों जगह मेरा नसीब जागा था कि मैं आपके सदारत में भी और आपके जश्न में भी शिरकत कर रहा था। मैं जब जब डॉक्टर पीरजादा साहब के साथ सफ़र करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और ज़िंदगी से तारुफ हो गया। ये शख्सियात अब कम मशारों में नज़र आती हैं, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में। सर्राफ साहब पीछे खड़े हो गए जाके, मैं गुजारिश करता हूँ वो भी सामने के नशीश में तशरीफ़ ले आए तो नवाजिश होगी, क्योंकि आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं और हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी डाइस पर हो रही है, तो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कम से कम ज़रूरी है। मैं परवेज़ जाफरी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे इस मुशायरे में याद किया, और मैं इस तारीख़ी जश्न का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे शेर सुने तुराज साहब ने, हमारी मोना साहिबा ने, हमारी शायरा और इन बड़े शायरों ने। मैं भी कोशिश करता हूँ दो तीन शेर पेश करके शायद आप तक पहुँचूँ। एक गज़ल के दो तीन शेर डॉक्टर साहब पेश कर रहा हूँ। जुदाई हो के मिलन हर अदा हमारी है, जुदाई हो के मिलन हर अदा हमारी है, तुम्हारा शहर है लेकिन फ़ज़ा हमारी है, तुम्हारा शहर है लेकिन फ़ज़ा हमारी है, हमारे सामने सजता नहीं गुरूर तुम्हें, हमारे सामने सजता नहीं गुरूर तुम्हें, जहाँ पे बैठे हो हमारे सामने सजता नहीं गुरूर तुम्हें, जहाँ पे बैठे हो तुम वो जगह हमारी है, जहाँ पे बैठे हो तुम वो जगह हमारी है, हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, कि तुम जो ओढ़े हुए हो रिदा हमारी है, कि तुम जो ओढ़े हुए हो रिदा हमारी है। और हजरत शेर, हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, कि तुम जो ओढ़े हुए हो रिदा हमारी है। और शेर मलादा फरमाइए, जो घर जलाते हैं गुल कर दो उन चराहों को, जो घर जलाते हैं
गुल कर दो उन चरागों को, नई हवाओं से ये इल्तिजा हमारी है, नई हवाओं से ये इल्तिजा हमारी है, जो सच से प्यार करे झूठ से करे नफ़रत, जो सच से प्यार करे झूठ से करे नफ़रत, उसी को हक है कहे करबला हमारी है, उसी को हक है कहे करबला हमारी है। और हजरत एक गज़ल के तीन चार शेर और समात मएगा। कभी रोज़ी कभी वो आशियाना छीन लेता है, कभी रोज़ी कभी वो आशियाना छीन लेता है, जहाँ मिलता है मौका आबोदाना छीन लेता है, जहाँ मिलता है मौका आबोदाना छीन लेता है, हथेली पर मेरी हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊँ मैं, हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊँ मैं, लहू तो सबका सब शातिर ज़माना छीन लेता है, लहू तो सबका सब शातिर ज़माना छीन लेता है। और ज़ाती शेर देखिएगा, हमें अपनी तबाही की खबर भी हो नहीं पाती, हमें अपनी तबाही की खबर भी हो नहीं पाती, वो सब खुशियाँ हमारी गायबाना छीन लेता है, वो सब खुशियाँ हमारी गायबाना छीन लेता है, मेरे प्यारो ज़माने से कोई उम्मीद मत रखना, मेरे प्यारो ज़माने से कोई उम्मीद मत रखना, ज़माना कुछ नहीं देता ज़माना छीन लेता है, ज़माना कुछ नहीं देता ज़माना छीन लेता है। वो घने जंगल इसी की जद में आकर शहर बनते हैं, घने जंगल इसी की जद में आकर शहर बनते हैं, ये इंसान तो परिंदों से ठिकाना छीन लेता है, ये इंसान तो परिंदों से ठिकाना छीन लेता है। और बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल और तहत में फिर मैं जैसा हुक्म है आप हजरात का और परवेज भाई का, जी इंशाल्लाह आप गलत जगह आ गए फिर तो ये चंद शेर पेश कर रहा हूँ समाथन माईगा। शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, हमारे सरफिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हमारे सरफिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं, और यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं, मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं, हज़ारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में फिर भी, हज़ारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में फिर भी, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। हज़रत एक मतला और दो शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपका हुक्म है तरन्नुम से तो तरन्नुम से पेश कर देता हूँ समात में। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं,
चराग खुद नहीं बुझते, बुझाए जाते हैं। चराग खुद नहीं बुझते, बुझाए जाते हैं। वो शेर देखिएगा, हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ पे रोज मुखौटे लगाए जाते हैं, यहाँ पे रोज मुखौटे लगाए जाते हैं। और जाती एक शेर पेश कर रहा हूँ, मेरे दादा साहब ने मेरे वालिद पर एक कर्ज छोड़ा, मेरे वालिद साहब ने मुझ पर वो कर्ज़ छोड़ दिया, मैं अब अपनी बेटियों पर कर्ज़ छोड़ के जा रहा हूँ, अगर ये कर्ज़ में आप कुछ मदद कर सकते हैं इस कर्ज़ को अदा करने में, तो मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर मेरी मदद करिएगा। इन सब के सामने आपसे कह रहा हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कर्ज़ आपसे भी अदा हो पाएगा। लादा फरमाएगा, ये कैसा कर्ज़ है नफरत का कम नहीं होता, ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं। जो तुमसे आगे नई नस्ल है तो हैरत क्यों, जो तुमसे आगे नई नस्ल है तो हैरत क्यों, हमेशा जिस्म से आगे हिसाए जाते हैं, हमेशा जिस्म से आगे हिसाए जाते हैं। आज़ाद एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश करूँगा, समाप्त मईगा। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। और शेर देखिए हजरात, याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास, फिर उसके बाद आपको की खिदमत में चंद शेर पेश करूँगा।
सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए न किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। ये माए चलती हैं बच्चों के पांव से जैसे, ये माए चलती हैं बच्चों के पांव से जैसे, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा। हजरत एक शेर में, इधर मैंने ताज़ा गज़ल कही है, तीन शेर कहे हैं, उसमें एक शेर सुनाने के लिए आपको दो शेर की ज़हमत दूंगा, मगर वो शेर मैं ऐसा सुनाऊंगा कि आपको बहुत दिनों तक ज़िंदगी भर याद रहेगा, मुझे पूरा यकीन है, लाज़ा फरमाइएगा, अल्लाह करे मेरे यकीन कायम रहे। मतला और एक शेर पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद वो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, जिंदगी में तुझे नीलाम नहीं कर सकता, जिंदगी में तुझे नीलाम नहीं कर सकता। देख कर तुझको तड़ाता हूँ मैं दिल ही दिल में, देख कर तुझको तड़ाता हूँ मैं दिल ही दिल में, क्या करूँ इश्क को बदनाम नहीं कर सकता, क्या करूँ इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और शेर देखिए हजरात, दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। एक गज़ल के, अरे एक दो शेर और सुनाना चाहता हूँ हज़रात। देखिए, पिछले दिनों हमारा चंद्रयान चांद पर जाकर कहीं खो गया। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब की ताबीरें भी आती हैं। मुझे उम्मीद है कि फिर हम जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम वहाँ पे झंडा लगा कर आएंगे और कामयाबी के साथ आएंगे। मैं इसरो का पहली बार पिछले साल में मुशायरे में गया था, इसरो के पहला शायर था उर्दू का जिसने इसरो को बुलाया। तो मैंने वहाँ जो शिवन साहब थे, जो अभी डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा कि साहब जहाँ हम 1400 साल पहले पहुँचे थे, क्या इसरो वहाँ तक पहुँच सकता है। वो खामोश हो गए, और ख़ामोश होने के उन्होंने बात कहा कि ये अल्लाह और उसके महबूब का मामला है, हम कोशिश करेंगे मगर उम्मीद कम है।
तो मैं अब मतला सुनाता हूँ गजल का समातम आएगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। आखिर में गज़ल के तीन चार शेर पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। ये बहुत आसान सी गज़ल है, मुलाज़ा फरमाइएगा। इस गज़ल में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दाद दीजिएगा। एक भी लफ्ज़ आपके जहन पे ऐसा नहीं आएगा कि जिसको आप मतलब सोचना शुरू करें। मुलाज़ा फरमाइएगा, सोचिएगा नहीं, बस ये समझ के दाद दीजिएगा, बहुत अच्छी शायरी हो रही है। समाप्त फरमाइएगा। वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, ख्वाब में ही सही जिंदगी तो मिले, वो कभी तो मिले, वो कभी तो मिले, दिल में आने की हसरत बहुत दिन से है, दिल में आने की हसरत बहुत दिन से है, कुछ इजाज़त मगर आपकी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, जिंदगी काट देंगे गली में तेरी, जिंदगी काट देंगे गली में तेरी, जाने मन हमको तेरी गली तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, आदमियत को आंखें तरसने लगी, आदमियत को आंखें तरसने लगी, इस जहां में कोई आदमी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, आदमियत को आंखें तरसने लगी, इस जहां में कोई आदमी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, हम भी कह देंगे घर में बहार आई है, हम भी कह देंगे घर में बहार आई है, कोई डाली चमन में हरी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। मुलाज़ा फरमाए शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मिलकर जलाएं दिए प्यार के, आओ मिलकर जलाएं दिए प्यार के, इन अंधेरों में कुछ रोशनी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। एक गज़ल और इसी तरह की
जिसमें आपको सोचने की कोई जहमत नहीं दूंगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ देखिए हमारे बीच आली मर्तबा जनाब संजीव सर्राफ साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हम बहुत सोचते हैं कि हमने लाल किला बनाया, हमने ताजमहल बनाया, मगर इस सदी का सबसे बड़ा काम जो किया है वो आपने किया है। अगर शाहजहाँ भी होते तो यही रेख्ता बनाते, इस सदी में ताजमहल कभी नहीं बनाते। ताजमहल कभी ना कभी दुनिया से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, मगर रेख्ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ। ये उर्दू का बहुत बड़ा काम किया है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उर्दू वालों पर एहसान किया है, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान पर एहसान किया है आपने। हमारी एक पहचान अब रेख्ता से भी है, जहाँ ताजमहल से है, गंगा से है, लाल किले से है, तो अब हमारी पहचान रेख्ता से भी होने लगी है। ये हम फख्र करते हैं आप पर, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। चंद शेर पेश करके इजाज़त चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, हमें सुनना है और आज जश्न है तो जश्न की तरह ही सुनेंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल सादा सी गज़ल है, मुलाजा सुनिएगा। चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, मेरे सीने को आंचल बना लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, लीजिए लीजिए दिल मेरा लीजिए, लीजिए लीजिए दिल मेरा लीजिए, इसको तावीज़ अपना बना लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, प्यार खुशबू है ये प्यार छुपता नहीं, प्यार खुशबू है ये प्यार छुपता नहीं, आप कितनी ही नजरें बचा लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए। और शेर देखिए हज़रात, मुझको गूगल ने उनका पता यूं दिया, मुझको गूगल ने उनका पता यूं दिया, आपके दिल में है खुद बुला लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, आपको भी बना देंगे हुस्न गज़ल, आपको भी बना देंगे हुस्न गज़ल, आप भी शायरों से दुआ लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, मेरे सीने पे सर रख के सो जाइए, मेरे सीने पे सर रख के सो जाइए, कुछ मजा लीजिए कुछ मजा दीजिए, चांद बहुत बहुत शुक्रिया। जनाबे मंजर भोपाली भाई बंद हो गया ये इनके जाते ही माइक, खैर चल गया फिर तो। जनाबे मंजर भोपाली की गज़लें और उनके अशार और उनके तरन्नुम आपने सुना, और अब जिस शख्सियत को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ कि जिनके लिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, और मैं अपने एसोसिएशन और अपने आप पे फख्र महसूस कर रहा हूँ कि प्रोफेसर पीरजादा कासिम साहब आज हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए और ये जश्न हमने मुनक़िद किया। और आप हजरात का भी और ख़वातीनों हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस निस शब तक
शहर में होने वाले तमाम फंक्शंस को छोड़ के आप यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, और अपने लिए भी कि मुझ नाचीज के साथ 25 साल का तवील अरसा आप लोगों ने निभा दिया और मुझे हिम्मत और ताकत दी कि चौथाई सदी तक मैं इस मुशायरे को जारी रख सका। और मैं समझता हूँ कि शायद अब मुझे रिटायर होना चाहिए और किसी हमारी एसोसिएशन के नए हमारे दोस्त को आके इसको आगे 25 साल तक चलाना चाहिए। तो मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ सदर महफिल साहिब जश्न से, मंजर भोपाली ने ज़िक्र किया उस जश्न का जो भाई सलीम जाफरी ने किया था 96 में, और चचा हमारे अली सरदार जाफरी उसकी सदारत कर रहे थे। आज हम यहाँ हाजिर हैं उनके इस शेर के साथ कि ज़माना मेरे शिकस्त दिल का सवाल ही क्यों उठा रहा है, अभी मेरे दर्द हंस रहे हैं, अभी मेरे ज़ख्म हंस रहे हैं, अभी मेरा दर्द गा रहा है। जनाब प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। एक बार और ये पहला ओवेशन फूलों की नज़र हो गया, अब तशरीफ लाते हैं जनाब पीरज़ादा कासिम। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। ये मौका ऐसा है कि इसमें सब लोग खुश दिली के साथ शामिल हुए और इसके मुहर्रिक ज़ाहिर है कि अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन और ख़ास तौर से परवेज़ जाफरी और उससे ज़्यादा उनकी बेगम जो यहाँ इशरत आफरी मौजूद हैं, ये सिलसिला हुआ कि मैं यहाँ हाज़िर हो सकूं। बहुत बार ह्यूस्टन आ चुका हूँ और जहाँ आप जैसे शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाले मौजूद हों वो सारे मशायरे जश्नी होते हैं। उर्दू अदब का जश्न होता है, ये किसी फ़र्द का जश्न नहीं है, ये उर्दू ज़बान अदब और उसकी सकाफ़त का जश्न है। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि अदब जिसके बहुत बड़े मुहर्रिक संजीव यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने क्या किया कि उर्दू रेख्ता ज़बान बहैसियत ज़बान के, अदब बहैसियत अदब के और ज़बान व अदब की सकाफ़त, इस सब को उन्होंने जमा किया। और ये कई सौ बरस की जो तारीख़ थी और जो बिखरी पड़ी थी और जिसकी तरफ लोग रागिब भी होते थे, रिसर्च और बहुत काम भी होते रहे, उसके लिए सारे का सारा मवाद और सारे का सारा काम मुहैया कर दिया एक ऐसी आसानी से कि अब तो बरसा बरस गुज़र जाएंगे, लोग काम करते चले जाएंगे और इन्हें याद करते रहेंगे। ये ऐसी शख्सियतों में से हैं कि जिनसे गायबाना मेरी मुलाकात रही और चंद लोगों में कि वो सामने हो या ना हो, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं कि वो इसी तनदही से काम करते चले जाएं। ये ऐसी शख्सियत हैं। और इधर परवेज़ जाफरी जो हैं ये अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं अर्ज़ ये करूं कि देखिए अदब का मामला ये है कि ये किसी ज़बान का भी हो, हमारी ज़बान रेख्ता और हमारी ज़बान उर्दू वो तो बहुत ही प्यारी है हमें, लेकिन किसी भी ज़बान का अदब हो वो मशरूत है इंसान और इंसानियत की फजीलत के साथ।
अगर अदब इंसानियत और इंसानियत की फजीलत की बात नहीं करता तो अदब के ज़िम्मे में शामिल नहीं। तो ये जो काम कर रहे हैं और ये काम बड़ा, बहुत बड़ा काम है और इसकी अहमियत को भी जानना चाहिए, इसकी फजीलत को भी जानना चाहिए और इसे आगे ले जाना चाहिए कि जैसे ये और आप सब मिलके इनकी मदद करके इस ज़बान और अदब के काम को, शायरी को आप आगे लेके चले जा रहे हैं। सो मैं इनकी भी तहसीन करता हूँ और आप सब की कि आप इनका साथ देते हैं और यहाँ बड़ी तादाद में, मैंने तो जब भी देखा तो यहाँ बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। ये जश्न जो मेरा यहाँ इस वक्त बरपा है, ये पहले भी कई हो चुके हैं, ह्यूस्टन में भी हुआ और मगर मैं इसे बहुत अहमियत देता हूँ अली सरदार जाफरी साहब की वजह से। ये इनके नामे नामी से है और मैंने ये अंदाज़ा किया उनके साथ रह के, उन्हें पढ़ के, उस पूरे ज़माने और उस दौर को पढ़ के, कि जो तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अदब और उसमें जितने लोग शामिल थे उसमें अगर किसी को आप नुमाया तौर पे अलग देखते हैं स्कॉलरली आलिमाना सतह पे, तो वो अली सरदार जाफरी साहब। और देखिए कितनी कितनी खूबसूरत बातें वो उन्हीं बातों में से निकालते थे। उनकी भतीजी लाहौर में रहती, वो उनसे गुफ्तगू कर रही थी कि आप हिंदुस्तान में और हम पाकिस्तान में, तो बातों में उन्होंने कहा कि बीबी दुनिया की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब हिंदुस्तान में बनी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं। उसने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है? उन्होंने कहा पाकिस्तान। तो वो बहुत ही नफीस, हलीमुत्तबा, आलिमाना शख्सियत थे और मैंने तो ज़ाहिर है कि उनसे बहुत सीखा और इसीलिए ये आज की जो तकरीब है और जश्न है ये मेरे लिए बहुत अहम है। और चलिए अब मैं कुछ अशार सुना दूं आपको, पढ़ना तो मुझे भी है। सो मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसी महफिल से जुड़ जाते हैं, मतलब पेश करता हूँ कि कहीं और ये तो ख़ास महफिलें हो जाती हैं, मुझे बड़े सजा के बिठा देते हैं। और मैंने ये कहा था कि मुझे तलाश करो भी तो आम लोगों में, मुझे तलाश करो भी तो आम लोगों में, उन्हीं के गम मेरे गम, उनकी शादमानी मेरी। तो उसी में रहते रहते आज का ये मतलब मैं पेश करता हूँ यहाँ और हम सब इसमें शामिल होते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरे लोग हैं, मेरी फ़ज़ा है, मैं नहीं हूँ। कैसे मुमकिन? ये मेरे लोग हैं, मेरी फ़ज़ा है, मैं नहीं हूँ। अगर ये सब हैं तो किसने कहा है मैं नहीं हूँ? ये मेरे लोग हैं, मेरी फ़ज़ा है, मेरी फ़ज़ा है, मैं नहीं हूँ। अगर ये सब हैं तो किसने कहा है मैं नहीं हूँ? अगर ये सब हैं तो किसने कहा है मैं नहीं हूँ? अर्ज़ किया कि किया है हर तरह ऐलान अपने होने का, किया है हर तरह ऐलान अपने होने का, मगर मुझी में कोई कह रहा है मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। किया है हर तरह ऐलान अपने होने का, मगर मुझी में कोई कह रहा है मैं नहीं हूँ। और ज़माना मुझसे बिछड़ के किसी विषम चले, ज़माना मुझसे बिछड़ के किसी भी संत चले, हर एक संत मेरा नक्श पा है मैं नहीं हूँ, हर एक संत मेरा नक्श पा है,
मैं नहीं हूँ और रहा हूँ लम्हे मौजूद में, मगर यूँ है, रहा हूँ लम्हे मौजूद में मगर यूँ है कि वक्त सिर्फ मेरा आईना है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, रहा हूँ लम्हे मौजूद में मगर यूँ है कि वक्त सिर्फ मेरा आईना है, आईना है, मैं नहीं हूँ। और शेर छोड़ता हूँ इसमें, अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ 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 मेरे बेहद करीब थी दुनिया, जहाँ जहाँ मेरे जहाँ जहाँ मेरे बेहद करीब थी दुनिया, वहाँ वहाँ मुझे कहना पड़ा है मैं नहीं हूँ। जहाँ जहाँ मेरे बेहद करीब थी दुनिया, वहाँ वहाँ मुझे कहना पड़ा है मैं नहीं हूँ, कहना पड़ा है मैं नहीं हूँ। अर्ज़ करता हूँ और अशार पढ़ता हूँ कुछ, कि दिल दिल अगर कुछ मांग लेने की इजाज़त मांगता, दिल अगर कुछ मांग लेने की इजाज़त मांगता, ये मोहब्बत कैश तजदीदे मोहब्बत मांगता, ये मोहब्बत कैश तजदीदे मोहब्बत मांगता, और वक्त तो नापायदारी के लिए मशहूर है, वक्त तो नापायदारी के लिए मशहूर है, ऐसे बे तौफीक से मैं खाक शोहरत मांगता, वक्त तो नापायदारी के लिए मशहूर है, ऐसे बे तौफीक से मैं खाक शोहरत मांगता। मैंने सहरा से तहय्युर खेज हैरत मांग ली, मैंने सहरा से तहय्युर खेज हैरत मांग ली, खाक हो जाता अगर तहजीब वहशत मांगता, मैंने सहरा से तहय्युर खेज हैरत मांग ली, खाक हो जाता अगर तहजीब वहशत मांगता, दिल को खुश आई नहीं ये दौलत आसूदगी, दिल को खुश आई नहीं ये दौलत आसूदगी, और मिल जाती तो ये कुछ और ज़हमत मांगता, दिल को खुश आई नहीं ये दौलत आसूदगी, और मिल जाती तो ये कुछ और ज़हमत मांगता, हैं खुदावंदान दुनिया हम तही दस्तों से हेच, हैं खुदावंदान दुनिया हम तही दस्तों से हेच, दिल को हसरत थी तो हम जैसों से खिलत मांगता, दिल को हसरत थी तो हम जैसों से खिलत मांगता, और हो गया होता गरां गोशों से गर मगलूब में, हो गया होता गरां गोशों से गर मगलूब में, क्यों सुखन आगाज करता क्यों समाप्त मांगता, हो गया होता गरां गोशों से गर मगलूब में, क्यों सुखन आगाज करता क्यों समात मांगता। और क्या आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि क्या ताज्जुब था कि इस सौदागरी के दौर में, क्या ताज्जुब था कि इस सौदागरी के दौर में ख्वाब भी ताबीर हो जाने की कीमत मांगता, क्या ताज्जुब था कि इस सौदागरी के दौर में ख्वाब भी ताबीर हो जाने की कीमत मांगता, ख्वाब भी ताबीर हो जाने की कीमत मांगता। उसकी ख्वाहिश है यही हर्फ वजाहत के बगैर, उसकी ख्वाहिश है यही हर्फ वजाहत के बगैर, अब कोई ख्वाब भी देखे ना इजाज़त के बगैर, उसकी ख्वाहिश है यही हर्फ वजाहत के बगैर, अब कोई ख्वाब भी देखे ना इजाज़त के बगैर, हमको ढूंढो तो हमें खोने की खातिर ढूंढो, हमको ढूंढो तो हमें खोने की खातिर ढूंढो, ख्वाब ताबीर नहीं होते हैं हसरत के बगैर, ख्वाब ताबीर नहीं होते हैं हसरत के बगैर, यूं भी दुश्वार है आसूदा सहरा होना,
यूं भी दुश्वार है आसूदे सहरा होना और जब खाक भी हो जाना हो वहशत के बगैर, और जब खाक भी हो जाना हो वहशत के बगैर, दिल को एक कारे मुसलसल ने रखा है आबाद, दिल को एक कारे मुसलसल ने रखा है आबाद, एक लम्हा भी नहीं गुजरा मोहब्बत के बगैर। दिल को एक कारे मुसलसल ने रखा है आबाद, एक लम्हा भी नहीं गुजरा, एक लम्हा भी नहीं गुजरा मोहब्बत के बगैर। वक्त शफाक है इतना कभी सोचा भी ना था, वक्त शफाक है इतना कभी सोचा भी ना था, हम उसे याद न कर पाएंगे जहमत के बगैर। वक्त शफाक है इतना कभी सोचा भी न था, हम उसे याद न कर पाएंगे जहमत के बगैर। हम तेरे करियाए जाँ ताब में इतना ठहरे, हम तेरे करियाए जाँ ताब में इतना ठहरे, यानी एक लम्हा गुजार आए हैं उजलत के बगैर, यानी एक लम्हा गुजार आए हैं उजलत के बगैर। और शेर छोड़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ूँ के, अब तो हम खुद से भी कम कम ही मिला करते हैं, अब तो हम खुद से भी कम कम ही मिला करते हैं, किसी ख्वाहिश से अलग और ज़रूरत के बगैर। अब तो हम खुद से भी कम कम ही मिला करते हैं, किसी ख्वाहिश से अलग और ज़रूरत के बगैर। तरन्नुम, हाँ, अब पढ़ा नहीं जाता तरन्नुम से, मगर मैं कुछ पढ़ दूंगा जी। देखिए चंद चंद शेर, हाँ, आपको तो सब याद है, अब मुझसे क्या जी। चराग हूँ कब से जल रहा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। चराग हूँ कब से जल रहा हूँ, चराग हूँ कब से जल रहा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। जो बुझ गया तो सहर नुमा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। जो बुझ गया तो सहर नुमा हूँ, वो बात जो आप कह ना पाए, मेरी गजल में बयां हुई है। वो बात जो आप कह ना पाए, मेरी गजल में बयां हुई है। मैं आपका हर्फ मुद्दा हूँ, मुझे दुआओं याद रखिए। मैं आपका हर्फ मुद्दा हूँ, मुझे भुलाना अब आपके इख्तियार में भी नहीं है, यानी मुझे भुलाना अब आपके इख्तियार में भी नहीं है, यानी मैं आपके दर्द की सदा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं आपके दर्द की सदा हूँ, ये दौरे आशोब दोस्ती है, मगर मेरा हौसला सलामत। ये दौरे आशोब दोस्ती है,
मगर मेरा हौसला सलामत, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। गुबार हूँ आप चाहे गाजा बनाए या जेर पा बिछा लें, गुबार हूँ आप चाहे गाजा बनाए या जेर पा बिछा लें, मैं कब से रक्सा हूँ थक चुका हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं कब से रक्सा हूँ थक चुका हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत ही शाइस्तगी से हर लहजा डूबती एक सदा की सूरत, बहुत ही शाइस्तगी से हर लहजा डूबती एक सदा की सूरत, मैं खलवते जाम में बुझ रहा हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। तो अब तरन तो होगी, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो फरमाइशें हैं। और जी मैं पेश करता हूँ, ये दौर आशोब दोस्ती है मगर मेरा हौसला सलामत, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। देखिए क्या होता है, पानी। अच्छा साहब पढ़ता हूँ मैं जी। अब आपने देखा कि मुझसे वैसा तो नहीं पढ़ा जाता, आपकी समखराशी है, मगर मैं पढ़ता हूँ। अब हर्फ तमन्ना को समात न मिलेगी, अब हर्फ तमन्ना को समात न मिलेगी, अब हर्फ तमन्ना को समात न मिलेगी, बेचोगे अगर ख्वाब तो कीमत न मिलेगी, बेचोगे अगर ख्वाब तो कीमत न मिलेगी, बेचोगे अगर ख्वाब लम्हों के ताकुब में गुजर जाएंगी सदियां, लम्हों के ताकुब में गुजर जाएंगी सदियां, यूं वक्त तो मिल जाएगा मोहलत न मिलेगी, वक्त तो मिल जाएगा मोहलत न मिलेगी, यूं वक्त तो मिल जाए। अब मंजिल ताबीर में है इश्क़े बलाखेस, अब मंजिल ताबीर में है इश्क़े बलाखेस, यानी उसे पा लेने से राहत न मिलेगी, यानी उसे पा लेने से राहत न मिलेगी, ताउम्र वही कारज़ियाँ इश्क रहा यार,
ताउम्र वही कारजियाँ इश्क रहा याद, हालांकि ये मालूम था उजरत न मिलेगी, हालांकि ये मालूम था उजरत न मिलेगी, उजरत न मिलेगी, ताबीर नजर आने लगी ख्वाब की सूरत, ताबीर नजर आने लगी ख्वाब की सूरत, अब ख्वाब ही देखोगे बशारत न मिलेगी, अब ख्वाब ही देखोगे, ताबीर नजर आने लगी ख्वाब की सूरत, अब ख्वाब ही देखोगे बशारत न मिलेगी, अब ख्वाब ही देखोगे। और आखिर में हम सब शरीक हैं इसमें। आई न सिफत वक्त तेरा हुस्न है हम लोग, आई न सिफत वक्त तेरा हुस्न है हम लोग, कल आईने तरसेंगे तो सूरत न मिलेगी, कल आईने तरसेंगे, आईने सिफत वक्त तेरा हुस्न है हम लोग, कल आईने तरसेंगे तो सूरत न मिलेगी, अब हर्फ़े तमन्ना को। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शोराए ग्राम का, पीरजादा कासिम साहब का, अपने संजीव सर्राफ साहब का, और आप तमाम ख्वातीन व हजरात का हमारे साथ अब तक यहाँ पे बैठने का। और अब जनाब सदर की इजाज़त से मैं इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।